स्टार्ट करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे तीन सेक्शन होते हैं हर क्लास के अंदर, और आज की क्लास में मेरे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट्स शामिल हैं इस वक्त, जो कि वेरी मच हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है लिस्टिंग से रिलेटेड कि हमने लिस्टिंग किस तरह से लगानी है, क्या करना है। अब आज हम उसमें फाइनल स्टेज पे HTML की, और HTML लगाने के बाद आपकी लिस्टिंग एक प्रोफेशनल लिस्टिंग पे पहुंच जाएगी और आप एक प्रोफेशनल लिस्टिंग कर रहे होंगे। अच्छा, सेकंड उसके बाद आपके पास जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो इम्पॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कि साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से कवर किया जाएगा और क्या चीज़ें इस तरह की चल रही हैं जिसको अवॉइड करना है। आज मुझसे शाहरुख ने कल मुझे बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई, और जो पाकिस्तान में एक फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं इस अमेजोन उन सब चीज़ों को लेकर के, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम अपने टारगेट्स भी डिस्कस करेंगे, और फिर सबसे आखिर में हम आकर के शुरू हो जाएंगे इस चीज़ के ऊपर जो प्रोडक्ट सिलेक्शन हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हमारी जो ना रेगुलर क्लास शुरू होने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। जब हमने क्लास शुरू की थी तो हमने 100% फ्री कोर्स रखा था, हम हर दफ़ा बताते हैं बात। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो उन्होंने अलीना ने कहा कि सर सीरियस लोग चाहिए, इस तरह तो बहुत सारे लोग आएंगे, सीरियस नहीं होंगे छोड़ के चले जाएंगे, हमारे एफर्ट ज़्यादा होंगे। तो हमने छोटी सी 2000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस रखी थी, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अदा की, बहुत शुक्रिया उस चीज़ का। हमने उसके अंदर आपको ये भी बताया था कि जो लोग रजिस्टर्ड होंगे ना उनको हम लिस्टिंग लगाने के लिए मौके देंगे और वो लिस्ट लगा करके काम कर सकेंगे, क्योंकि एक सिस्टम के थ्रू आ रहे हो। बाकी लोगों के लिए ये चीज़ नहीं होगी, वो सीख सकते हैं मगर वो लिस्टिंग नहीं कर सकेंगे खाली, इसलिए कि वो लूप में नहीं होंगे ना, वो रजिस्टर्ड नहीं है, हमें नहीं पता उन्होंने कोर्स को कितनी सीरियसली लिया है, क्योंकि जो आपके पास वेबसाइट के ऊपर सारा जो अटेंडेंस मैनेजमेंट है, क्योंकि हम आपके सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो वेरीफाई नहीं कर सकते हैं पैसे लगाने, तो यहाँ तक तो ये बात होगी। अच्छा, अब आज की सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे साथ इस वक्त दुनिया भर से लोग मौजूद हैं हमारे पास, जो कि आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी है। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से रेडी है। आप ये समझें कि ये कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है कि इस वक्त आपके पास अमेरिका से लोग मौजूद हैं, इस वक्त यूके से मौजूद हैं, इस वक्त स्पेन से मौजूद हैं, इस वक्त जर्मनी से मौजूद हैं, और यूके से मौजूद हैं, और मेरे ऑस्ट्रेलिया से भी लोग अभी इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हेल्प कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े। तो मैं करता ये हूँ कि बजाय इसके कि डायरेक्ट अपने कोर्स के ऊपर जाऊँ, पहले मैं उन लोगों से कहता हूँ वो अपनी राय दें। और उन्होंने जैसे कुछिया आसिम ऑलरेडी आपके ग्रुप में शामिल है, उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट ये की थी कि वो आएँ और आ करके ना अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों से, ताकि आप लोगों को ये पता हो कि बाहर क्या चीज़ें बिकती हैं। अच्छा, एक मैं इससे पहले कि वो फिर मेरे पास वजाला है जो कि पाकिस्तान में एक गई थी 30 साल के बाद, चीज फ्रॉम खैरपुर, उन्होंने इंटीरियर के अंदर बहुत ज़्यादा काम, अभी इन्होंने गर्म कपड़े और लैपटॉप्स वगैरह भेजे पाकिस्तान, और अब इनकी दिल चाहता है कि वह जाए और जाके लोगों की मदद करें। जब इन्होंने लोगों के हालात देखे तो बगैर किसी फर्ज के, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उसके, कहते हैं मैं जाके पाकिस्तान में रहूँगी, अपनी सारी ज़िंदगी इनकी यहाँ गुजरी, और अब ये चाहते हैं पाकिस्तान में करें। जब मैंने वहाँ जाके लोगों के साथ किया तो उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट थी ना, जो उनके आंसू निकल रहे थे, वो देख करके मुझे हैरानगी हुई कि मैं सोचती थी कि काश मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया। तो हमारे साथ बहुत और बिला गर्ज लोग हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ आगे कुछ सिया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करवाना चाहती हैं, वो आपको गाइड करेंगी कि क्या चीज़ बननी चाहिए, वो आपकी हेल्प करेंगी, आपको सही रास्ते बताएंगी। अच्छा, फिर मेरे साथ हरीम अली हैं, शी इज़ वेरी गुड, जैनब अली, शी इज़ वेरी गुड, ये आपको लिस्टिंग लगाने में मदद करेंगी, ये आपको बताएंगी कि किस तरह से आप कौन सी चीज़ें यूके में चलती हैं, वो वाला भी बताएंगी, ये लोग भी बताएंगे आपको। लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम लोग, और अली जो है वो इस वक्त ही इज़ अ वेरी स्मार्ट गाय और PTV में बड़े उसके ऊपर थे, और ये इस वक्त स्पेन से हमारे साथ मौजूद हैं, और हम सब लोग अब एक टीम बन चुके हैं। तुम्हें अब समझो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया, तुम्हें यूके से लोग मिल गए, वकार मौजूद है, वकार पायलट है बेसिकली, और वकार जैदी जो है ये पायलट है और एमिरेट्स में था, फिर उसके बाद ये रॉयल फैमिली के लिए, सऊदी रॉयल फैमिली के लिए जेट उनका जो है वो फ्लाई करता था, अब ये ह्यूस्टन में सेटल्ड है और वहाँ से रह के हमारे लिए हमारे साथ काम कर रहा है। तो कुसिया न्यूयॉर्क के अंदर है, ऑन अभी आ जाएगा वो भी ह्यूस्टन के अंदर है, तो बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं जो कि आपको फुल सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं।
अब आपने काम करना है, मेहनत करनी और आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, दो चीज़ें और समझनी। किसी चीज़ में आपका को बहुत सारे लोगों ने पोस्टिंग लगाई, बहुत सोने का ये महंगा, ये बहुत सस्ता है, कोई घबराने की बात नहीं। मैं आपको सबसे पहले तो पाकिस्तानी वेबसाइट दे रहा हूँ ना, विंडे यूके, विंडे पीके, उस पर लगाएं, उस पर रिजल्ट सामने आएंगे। फिर उसके बाद आपको जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जिनकी राय इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि वो जगहों पर रह रहे हैं, मजाला की सारी ज़िंदगी यहीं पर रही है, तो उनको उससे ज़्यादा किसी को क्या पता होगा। कुत्सिया हमेशा से अमेरिका में रही, उनको पता है कि वहाँ पर सिंपल कपड़े चलते हैं, बच्चों के फैंसी ड्रेस नहीं चलते, तो वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन क्या वो फैंसी ड्रेस नहीं चलते पाकिस्तान में? तो चलते हैं ना भाई, तो पाकिस्तान में भी तो हमने सेल करना है ना, तो हम वहाँ पे भी लगाएंगे। एक बात याद रखना, जिंदगी में, दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं ना बिकती है, हर चीज़ बिकती है, बस आपने उसके लिए राइट ग्राहक तलाश करना होता है। ये हमारा एक और पार्ट है जो हमने आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सिखानी है, जिसके लिए काशिफ जावेद को हमने उसका उस एरिया का हेड बनाया। शाहरुख जो है वो प्रोडक्ट हेड है, वो सारी प्रोडक्ट्स को फाइनलाइज करवा रहे हैं। काशिफ जावेद आपकी डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करेंगे। अगर आपने राइट कस्टमर तलाश कर लिया तो आपकी हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिकती है, बस ये समझना, कोई चीज़ फालतू नहीं होती। अच्छा, लिस्टिंग लगाने के कोई पैसे नहीं, हम कचरा यूके और यूएसए में जमा नहीं करेंगे, हम जो भी चीज़ आपके पास आ रही है सब पहले पाकिस्तान में लगाएं, फिर जो चीज़ यहाँ चलती है हम उसको सॉर्ट कर लेंगे, फिर वो चीज़ें यहाँ आएंगी, पाकिस्तान में बाकी चीज़ें बिकती रहेंगी, ठीक है। मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा गजाला से कि वो थोड़ा सा आएं, अपना बताएं और वो किस तरह से सपोर्ट करना चाहती हैं। शी इज़ फ्रॉम यूके, फ्रॉम मैनचेस्टर, एंड शी हैज़ जस्ट सपोर्टेड अ लॉट ऑफ पीपल। एक आदमी को रिक्शा खरीद के दिया है और अब और इस तरह के काम कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं और इंटीरियर में ज़्यादा काम कर रही हैं, एंड शी इज़ विद अस इन दिस नोबल कॉज ऑफ मेकिंग लो इनकम पीपल टू अराइव, ऊपर उठें और अपना काम करें और इज्जत के साथ अपने पैसे कमाएं। गजाला, आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, यू हैव टू अनम्यूट। हाँ, हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गजाला है और मैं 1966 से यहाँ इंग्लैंड में ही हूँ, और मेरी शादी हो गई, शादी हो गई तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान कराची आना जाना हो गया, कराची जाती थी आती थी, बच्चे भी अभी वेल सेटल्ड है। मैं फिर अब पाकिस्तान गई हूँ आफ्टर 30 years, 2 साल पहले गई, तो एवरीथिंग हैज चेंज्ड। जब मैं 1970s में जाती थी, 80s में जाती थी, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं गई, उसके बाद अब जिसे कहते हैं मैं गई हूँ। तो जब मैं गई तो आई स्टेड फॉर 6 weeks, लेके मैंने एक्सटेंड करवा लिया। वहाँ मैंने देखा काफ़ी चीज़ें हैं, दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट एनीथिंग। वो बैठ के रोते रहते थे गांव वाले कि क्या करें हम, कैसे करें। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा तुम मुझे कचरा भी उठा के दो, मैं कचरा तुम लोगों को बना के दूँ कुछ। तो उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि आस पास देखते नहीं है ये क्या कर सकते हैं। अब स्कूल, मैंने पहले तो स्कूलों में जाके देखा स्कूल की हालत कैसी है, वहाँ ना कैंटीन है, एक क्लासरूम में समझो 40-50 बच्चे हैं, छोटी सी जगह है, ना उनके पास लाइट है, लेकिन फिर भी क्लासरूम चल रही है उनकी। वहाँ मैंने कहा कि देखो, अगर एक आदमी अगर मैं खड़ा कर दूँ, उसको मैं एक छोटा सा स्टॉल बना दूँ, सिर्फ सैंडविचेस, न्यूट्रिशन फूड जो उनको डेली इनटेक्स चाहिए, वो एक पैकेट चिप्स खा के गुजारा करते हैं और एक वो छोटी टूटी फ्रूटी ड्रिंक। अब उस सुबह स्कूल होता है 8-7 बजे से 8-8 बजे से 1-2 बजे तक, उसमें कहाँ इनको न्यूट्रिशन मिलेगी, कहाँ इनको कोई खाना मिलता है ठीक से। तो मैंने यही आइडिया सोचा कि छोटे छोटे आकर स्टॉल, एक एक की वेजेस भी बन जाए, चलो मैं सामान दे दूँ, मैं सेटअप कर दूँ उनको, तो एक वो बंदे की इनकम हो जाएगी। और ऐसे ही फिर एक छोटे से स्कूल में मैंने छोटे से सैंडविचेस, प्लेन ब्रेड एंड बटर, और उसके ऊपर थोड़ी सी चिकन टिक्का वगैरह पैकिंग क्लिंकल टिन फॉइल में रोल बना के रख दिए और बिके। ये तो नहीं है कि नहीं बिके, बिके। तो मैं चाहती हूँ कि ये इंट्रोड्यूस करें इनको प्रॉपर फूड, फूड भी नहीं है उनके पास ठीक से। अब एक पैकेट चिप्स पे गुजारा करते हैं और पैकेट पूरे ऐसे ही फेंक दिए। मैंने कहा ये कहाँ, ये खाते हैं ये सारा दिन? कहते हैं जी यही होता है इनका।
गरीब घर के हैं तो वो कहाँ से पैक लंच लाएंगे। तो मैंने कहा चलो पैक लंच थोड़ा सा सस्ता ही हम रखें, इतना ही हो के एक आदमी की रोजी, ये नहीं कि मिलियन पाउंड उसके दिन के बने, अगर उसके 300-400 रुपए भी बने दिन के उस आदमी के खर्चा निकाल के, तो ही कैन सपोर्ट हिज फैमिली। वेरी गुड और वहां गुड। पर भी यही मैंने देखा कि वहां डेली बेचारे काम भी करते हैं तो 500 रुपए से ज्यादा नहीं कमाते हैं। अब 500 रुपए में उनके साथ घर खाने खाने वाले हैं, घर में बीवी है, बच्चे है, अम्मा है, अब्बा है, बहन है, भाई है। तो उस पे फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने कहा हम लोग वी हैव द नॉलेज व्हाट वी कैन हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर लाइफ्स। तो फिर बिल्कुल वही, सही। फिर अब इस टाइम में गई हूँ मैं, आई वापस, फिर मैं वापस चली गई पाकिस्तान। तो लास्ट नवंबर में मैं वहीं थी, अभी मैं मुड़ के आई हूँ अगस्त में। तो मैं चाहती हूँ कि अब स्कूल्स में भी छोटी छोटी स्टॉल्स लगा दें, उनको दे दें, एक आदमी बिरयानी बना के, मतलब कि छोटी छोटी पोर्शन, तो बच्चे छोटे पोर्शन खाते हैं ना। तो अगर ये हम इंट्रोड्यूस करें स्कूलों में, वहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं मोस्टली, तो प्राइवेट स्कूल चलते हैं, लेकिन हेल्थी फूड उनको इंट्रोड्यूस करें हम। बाहर जैसे कि वो देख रही थी, मैं गुजर रही हूँ गलियों में तो देख रही हूँ कि वो चिप्स का स्टॉल लगाया हुआ है, लेकिन वो तेल खाने वाला नहीं है पकाने इसमें, मतलब कि आई वुड नॉट ईट फ्रॉम दैट, लेकिन बिक रहे हैं। बच्चे 25 रुपए की एक छोटी सी थैली लेते हैं। तो अगर वो चिप्स को नहीं, हम कुछ और बना के उनको दें, इंट्रोड्यूस सम नाइस थिंग्स, तो आई एम श्योर 25-25 रुपए इज नथिंग फॉर देम। तो मेरी यही आइडिया थी कि मैं आई वी कैन डू दिस, वी कैन गिव द नॉलेज हाउ इट्स डन, हाउ इट्स सेट अप, और इतना खर्चा भी नहीं होता है। तो अभी जब मैं गई तो मैंने एक आदमी का, एक मेरे घर में काम कर रहा था, तो उसको मैंने रिक्शा दिलाया। वो भी आए दिन बेचारा आता था, उसको जितने पैसे दो, न खुद खा रहा था न वापस गांव भेज रहा था। तो मैंने कहा कि अभी मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैंने कहा चलो रिक्शा एक हो जाए, मैंने कहा तुम दिन रात काम करो जितना, एक ड्राइवर रात के लिए भी रख लो, एक दिन के लिए भी रख लो, स्प्लिट द मनी। अब वो ही इज ऑन लाइक 7-8,000 a week, तो ही इज रियली हैप्पी। वो बार बार मुझे फोन करके कहता है कि थैंक यू अम्मी जी, मुझे अम्मी जी कह रहा है, कहता है अम्मी जी थैंक यू, आपने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ उसको आइडिया दिया, ठीक है मैंने थोड़ी मेहनत की कि उसको रिक्शा खरीद के दे दिया। तो अब मैं कहती हूँ एक से दो रिक्शे हो जाए, अभी वो इनकम उसकी शुरू हो गई है। अब उसको मैंने समझाया कि अब इनकम तुम ऐसे करो कि अपना खर्चा निकाल के मुझे एक फिक्स अमाउंट एक रखते जाओ मेरे पास, फिर उसी अमाउंट से फिर मैं एक और रिक्शा उसको दिला सकती हूँ किसी और को, उसकी लाइफ थोड़ी सेट हो जाए। 5-6 इट्स लाइक इंटरेस्ट फ्री। तीन महीने काम करो के बाद मुझे थोड़ी सी इनकम चाहिए, इतनी नहीं चाहिए लेकिन अगर वो 2,000 भी मुझे वापस करता जाए एक साल में, चलो आई पुट मोर मनी इन, आई विल स्टार्ट समवन एल्स ऑफ। एग्जैक्टली। तो गजाला बेसिकली अब ये है कि ये जो हमारा पूरा ग्रुप है ना, ये मैंने इंट्रोड्यूस आपको करा दिया था, अब हम इनको कर ये रहे हैं कि इनके ज़रिए से हम लोकल वेंडर्स, जो लोकल मैन्युफैक्चर, जो आपका आइडिया है ना कि लोगों के घरों में इनकम जाए और आप उनको हेल्प करें, तो हमने ये किया कि हमने ये करने की कोशिश की है कि ये फॉरेन एक्सचेंज में भी अर्न कर सकें। तो जो भी किसी भी जगह अगर वो स्किल सीख लेता है तो हम उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें इंटरनेशनली। तो हम इसमें, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप इस वक्त आ गई, अब हमारे साथ रहिएगा, और इन लोगों को, इनको गाइडेंस भी चाहिए होगी, मैं उस ग्रुप में आपको शामिल कर लूँगा ताकि आप इनको गाइडेंस दे सकें, और ये आपके जो फलाही काम है ना, ये उसमें आपका जो जो हेल्प कर सकती है करेंगी। फाइनेंशियली ये लोग अभी नहीं कर सकेंगे, लेकिन वैसे जो हेल्प हो सकेगी आपकी, आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी चीज़ों को आगे तक पहुंचाना, लोगों तक समझाना, वो सारी चीज़ें ये लोग करेंगे। और आपने इनके साथ क्या करना है, इनको गाइड करना है यूके मार्केट के बारे में, इनको हेल्प करना है कि इनको लिस्टिंग के लिए आईडीज़ वगैरह मिल जाएँ, और ये लोग कुछ अर्न करें, और ये कि हम सब मिल करके ग्रो करें। हमारा मकसद पाकिस्तान में स्किलफुल लोगों को पैदा करना है और उनकी स्किल्स को दुनिया भर में लेके जाना है ताकि एक एलिवेशन हो। अच्छा, अब मैं कहूँगा, अब मैं बुलाऊँगा अपना कुत्सिया को। कुत्सिया जो है ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, हमारी बहुत ही करीबी दोस्त थी, फैमिली थी उनकी,
ये बहुत करीबी दोस्त थे, इनके साथ मेरी अक्सर हमेशा रहती है। शी इज़ इंटेलेक्चुअली वेरी हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म में, और ये पेटेंट वगैरह में इनका बहुत ज़्यादा हाथ है, और ये पेटेंट वगैरह कराती रहती हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली एक चमचा डिज़ाइन किया जिससे कि नूडल्स को खाने में आसानी होती है, वरना नूडल्स जो है ना उधर निकल जाते हैं। अब देखो ये चीजें ना पाकिस्तान में तो लोगों को पता नहीं होती कि ये क्या है क्या नहीं है, क्या है यहाँ पर ये क्या कर रही है, कि ये चीजें वहां पे जो चीज रिक्वायर्ड आ रही थी। अब बहुत सारी लिस्टिंग लगी, उस लिस्टिंग्स के अंदर क्या हुआ कि कुत्सिया ने मुझे फिर प्राइवेट मैसेज किया कि ये जो फ्रॉक्स हैं ये नहीं चलेंगी। फिर मैंने कुत्सिया को बात समझाई कि कुछ बात ये है कि ये अमेरिका की मार्केट के लिए हो सकते हैं ना हो, लेकिन पाकिस्तान में चीजें बिकती हैं, तो हमने जो शख्स जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको प्रेजेंट कराना है। अच्छा, अब एक बात होगी, दूसरी बात ये जो शख्स सिलाई जानता है और वो जो इतना सारा मीनाकारी करके बना रहे उसको सिंपल कपड़े बनाने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, तो हम अगर उसकी स्किल को ये गाइड करने के तुम्हें ये नहीं तुम हमें ये बना के दो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम चल पड़ेगा। मगर वो चीजें बिकती हैं क्योंकि इंटीरियर का कल्चर अलग है, इंटीरियर के अंदर अलग किस्म के कपड़े पहने जाते हैं। तो कुसिया, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस ये कि मैं आई एम एट वर्क राइट नाउ फ्रॉम होम, तो मैं बहुत लंबी नहीं कर सकूंगी गुफ्तगू, लेकिन ये कि मैं अंडरस्टैंड तो कर रही हूँ। मैं ये करूँगी कि देखें, मैं इतनी ज़रूर हेल्प कर सकूँगी कि मुझे जैसे मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 ईयर्स हो गए हैं, तो मुझे इतना अंदाज़ा है कि लोगों को कलर्स क्या पसंद हैं। अब जैसे अजरक प्रिंट जो है पाकिस्तान में, अजरक प्रिंट यहाँ पे वो बहुत उसमें ब्लू रेड और वाइट होता है, ये वेरी अमेरिकन कलर्स हैं, तो मैंने कई लोगों को दिखाया है, तो वो जैसे कहते हैं उनको समझ में नहीं आता ये पाकिस्तानी, लेकिन ये अजरक प्रिंट भी नहीं पता उनको, अच्छा भी लगता है। तो अब ये कि अजरक प्रिंट के स्कार्फ मैं लेके आई थी, मगर कच्चे रंग के हैं, तो अब ये कि अजरक प्रिंट के स्कार्फ हों मगर पक्के रंग के हों, फिर ये कि अजरक प्रिंट की कमीज़ें, मैं जो हूँ ना, जो जो चीज़ें यहाँ बहुत पॉपुलर हैं कपड़े स्टाइल, मैं वो पोस्ट करती रहूँगी। जैसे कुछ ईस्टर्न यूरोपियन औरतें कपड़े पहनती हैं, टॉप्स पहनती हैं, जो के पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करें, लोगों को पता नहीं कि पाकिस्तान में कहाँ से ये लोग कॉपी कर रहे हैं, तो वो मैं पोस्ट कर दूंगी कि पाकिस्तान के लोग उस चीज़ को यहाँ, वो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो पाकिस्तान में भी बिकेंगे यहाँ पर भी बिकेंगे। तो मैं क्लोदिंग में हेल्प कर सकती हूँ, और स्कार्फ को क्या इनको पसंद है, स्कार्फ के किस तरह से कर सकते हैं, ये क्लोदिंग में मैं बिगिनिंग में, अभी जैसे किसी ने स्वेट पैंट्स पोस्ट करी थी वो बहुत अच्छा है, वो इट कैन बी गुड फॉर पाकिस्तान, इट कैन बी गुड फॉर अमेरिका यूरोप। तो अब ये कि अगर लोग मेहनत कर ही रहे हैं, अगर वो ऐसी मेहनत करें कि उनको ग्लोबल रिकग्निशन हो जाए या ग्लोबल मार्केट मिले तो बेहतर, लेकिन आई अंडरस्टैंड के हर एक के रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो हर इंसान अपने रिसोर्सेज से और सीखता ही है, अगर वो छोटी चीज़ से शुरू कर रहा है हमें वेलकम करना चाहिए और उनको हेल्प करनी चाहिए, कम से कम ये कि फिर वो आगे, अगर उनको हम पहले ही सप्रेस कर देंगे तो वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं आ सकेंगे। तो अब ये है कि मेरा, मैंने इतना बोल लिया, काफ़ी है? नहीं, इफ़ यू हैव गॉट एनी गुड आइडिया गिव इट टू अस, बिकॉज यू हैव डिस्कस दिस थिंग विच यू हैव डिस्कस, तो मैंने इन लोगों को बताना भी था, बट मैं चाहता था कि आप खुद बता दें, तो अब बहुत अच्छा आपने कर दिया, और बताना चाहें बिल्कुल बताएं। नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह इट्स गुड राइट नाउ फ्रॉम माई एंड, ये कि आई विल बी कीप पोस्टिंग, जो कि आप लोग गेट समथिंग सिमिलर, विच इज सिमिलर, उससे करीब करीब चले जाएँ। कलर्स, इफ यू आर टारगेटिंग अमेरिकन मार्केट या वेस्टर्न यूरोपियन मार्केट, तो कलर्स हैज़ टू बी वेरी न्यूट्रल, लाइक ए ग्रे, बेज, ब्लैक, ऑलिव, डार्क ब्लू, एंड लेकिन जैसे ऑरेंजी, वेरी येलोई, वेरी ग्रीन, ये दीज आर वेरी बीची या बीच टोन के कलर्स होते हैं। तो डेली वेयर या उसमें ना बड़े न्यूट्रल कलर्स हमें टारगेट करने पड़ेंगे। ये चीज़ हो गई। तो अब ये कि मैं इंशाल्लाह वट एवर आई सी समथिंग नाइस, और जो मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान से बन सकती हैं चीज़ें जो कि हम प्रमोट कर सकते हैं, वो फिर आई स्टार्ट पोस्टिंग हियर ऑन दिस पेज, और ये कि जो भी फिर बनवा के करवाना चाहे होल सेल में, और ये कि उससे ये होगा कि वो पूरे ग्लोबली, मैं इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी ऐसा डिज़ाइन पोस्ट करूँ जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो। ठीक है अली, चलिए, थैंक यू फॉर फॉर योर इंट्रोडक्शन, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प अली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, अब मैं अली जैदी इज बेसिकली इज इन स्पेन राइट नाउ।
और जैसे कुत्सिया ने बताया आप लोगों को गाइडलाइन दी हैं, इसी तरह से आपको ये इन्होंने गाइडलाइन दी है अमेरिका से वजालती, और वो अपना जो काम करें उसमें आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए होगी वो बताती रहेंगी किस तरह से करें। हम आपकी सारी लिस्टिंग में आपको हेल्प कर रहे हैं, लगाने में मदद कर रहे हैं, ये सारी चीज़ हो गई। अब मैं अली जैदी से कहूँगा कि वो अली जैदी आपको स्पेन में एक्सेस दे रहे हैं, और स्पेन में जो आपकी प्रोडक्ट लगेंगी वो अली जैदी के थ्रू लगेंगी। जर्मनी वाला मेरा जो वो कॉन्टेक्ट था वो आया था, लेकिन उसको कुछ इश्यूज आ रहे थे तो वो दोबारा ज्वाइन कर लेगा, फिर मैं बात करा दूंगा। अली फ्रॉम स्पेन, अली यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। या इट्स ओके, या आई कैन, वी कैन हियर यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं स्पेन में हूँ इस वक्त। मैं यहाँ पे जो है स्पेन की मार्केट में तकरीबन मैंने जो स्पेन के लोग हैं तकरीबन मैंने यहाँ पे जो सर्वे किया है, यहाँ पे अली बाबास के नाम से जो है अली एक्सप्रेस के नाम से ये मार्केट यहाँ पे ज़्यादा चल रही है ऑनलाइन, जो मैंने यहाँ पूरा एक तरह से मालूमात की हैं सारी। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ पे मेरे काफ़ी लिंक्स हैं अच्छे बड़े लोगों से, तो होगा ये कि जब हम स्टार्ट करेंगे काम तो हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी, आई होप। ठीक है, ठीक है। तो अब तुम्हारे थ्रू जो है ना ये स्पेन की लिस्टिंग हम सारी तुम्हारे थ्रू करेंगे, और तुमने फिर जो मैं बाकी गाइड कर दूंगा किस तरह से करने, और जो वहाँ पे सामान पहुँचेगा उसकी भी सारी तुम जो है ना आगे हैंडल कर लेना। तो अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट वकार। वकार जैदी ही इज़ बेसिकली अ पायलट, ही वॉज फ्रॉम एमिरेट्स, एमिरेट्स में फ्लाई करते रहे बड़े जम्बू जेट्स वगैरह, और फिर उसके बाद रॉयल फैमिली जो थी सऊदी रॉयल फैमिली उसमें भी रहे। So I would like him to come and just say something. He is the one who is going to be your contact in US initially. Khusiya bhi hai, aur ye aapke main jo hamara Houston ke andar warehouse banne ja raha hai ye usko pura ka pura head kar rahe. He is a high profile person and I am thankful to him that he is so humble ke isne meri is request ko jo hai accept kiya. Usne kaha nahi, I will help our Pakistanis to actually sell their products over here, and we will be doing whatever we can do. So together we have started this in Houston, aur jo Houston wala jo chapter wo inke paas hoga, New York wala jo hamara dusre ko aur unke sath hai, aur Los Angeles wala dusre ke sath hai, kyunki bahut badi market hai US, hum usko lose nahi kar sakte, to hum usko bhi consider karenge. Waqar, please go ahead. Hello everybody, how are you? Yeah, thanks for having me. Really appreciate that you're giving me this platform to introduce myself, and obviously जो भी हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद यू ऑल ऑफ यू गाइस। अमेरिका की मार्केट, लाइक यू सेड दैट मार्केट तो ऑब्वियसली बहुत ह्यूज मार्केट है, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ वी कैन डू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं अपने जितने भी आप हमारे लोग हैं इसके ऊपर प्लेटफॉर्म पे, उनके साथ कुछ चीज़ें और लिंक्स वगैरह मैं शेयर करूँगा, जिसमें दे विल गेट एन आइडिया कि जो पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स आ रही हैं वो US के अंदर कहाँ कहाँ और किस टाइप की प्रोडक्ट्स चल रही हैं। So this will give them some type of guidance what to look for. So ye sari cheeze hain, aur वैसे भी जो भी कुछ help चाहिए होगी कि definitely I'm like I said looking forward to work with you all. बस ये कि अपने business में जो हम कर रहे हैं और जिस तरह अली जैदी आप start कर रहे हैं उसको डॉक्टर साहब, इसमें focus रहना हम सब का बहुत ज़रूरी है। बस इसकी example वो ये कि जैसे ओलंपिक्स के अंदर पूरे वर्ल्ड से हर कंट्री अपने बेस्ट पर्सन को भेजती है, लेकिन ओलंपिक जब ओलंपिक्स में आते हैं तो वो उसमें से एक ही बंदा जीतता है। वॉज द रीज़न बिहाइंड इट कि वही एक बंदा क्यों जीत रहा है, इवन दो के एवरीबडी इज सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड बेस्ट पर्सन फ्रॉम देयर कंट्री, तो उसका यही होता है कि वो बंदा फोकस अपने टारगेट के ऊपर फोकस होता है। तो फोकस रखें, अप एंड डाउन्स आएंगे इसके अंदर चलते हुए, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड और डिसहार्टेड, just keep moving forward. So inshallah I'll help whatever I can do from my side, and thanks for having me. Thank you very much. Acha, ab main jo hai na, Harim Ali is basically from UK, and she is be the one who is going to guide you guys, like providing you the ideas to actually do, and going to help you a little bit. But she is very very busy because she is doing like masters in bioinformatics and all these things. So we're both busy hoti hai, but she, on my request, she said that okay, I will come and I'll see that how I can help them. And jo yahan ka jo fashion hai usko wo tum logon ke sath abhi group mein shamil ho jayengi, to uske baad kya hoga ki wo jo cheeze yahan chal rahi hai na wo tumhe guide kar degi basically ki ye cheez yahan nahi chalegi, ye cheez yahan chalegi.
अच्छा मैं गजाला के साथ मिलकर ये भी कर रहा हूँ कि यहाँ से ना पुराने कपड़ों की कंसाइनमेंट नेक्स्ट टाइम, अभी ये भेज चुके हैं अपने तौर पे, अब हम नए एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, और वो फिर हम यह ना पाकिस्तान भेजेंगे, तो वो भी हम देखेंगे किस तरह तुम लोग अपने इस नेकी के काम में जो भी गरीब लोग उनको आगे डिवाइड करना हो, जैसा करना हम कर लेंगे। हरीम आर यू देयर, कैन यू से समथिंग? I was looking at the group chat messages, and I think the grey tracksuits, I think that would be a good good product to sell in the UK, because it's fashion over here is basically just tracksuits and trainers as well, if you're trying to sell shoes, sneakers, trainers. I think they would be a better fit for the UK market, but with the dresses, again, I agree with what was said before. I don't know who said it, but neutral colors is very important, and not too much. So yeah, just basically neutral colors. If there's other colors like pink or bright orange or like bright green, they don't really go here. Not many people wear those colors. So beige, gray, black, navy, colors like that, that would suit the UK market. Thank you, fantastic. Zainab Ali, are you going to, she is also from UK, and she is basically doing law, and she has got a lot of passion. She just move around and she's very confident. Hareem Ali is also very confident. She travels a lot all alone by herself. And I would like Zainab, do you want to say something? Yes, assalamu alaikum everyone. So I would agree with everything that Hareem said with the UK market. It's very much like neutral colors. And I think another thing that might be useful to look into is maybe selling Pakistani clothes to ship to the UK, because they can be quite hard to find over here, especially at affordable prices, because they can be really expensive. So that might be another thing that's useful to look into. Wonderful, wonderful, wonderful. Now, I think that I have covered like this part of the world. German, basically the guy who's from Germany was he come and he was having some problems, so he cannot join us today. And Australia is right now, they're all sleeping. So what we can do that next class, we will put something in. So the three worlds is very difficult, because US is here, Australia is all together there. So it's very difficult to get all of them at the same time. So now let's start. हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया अपने उन लोगों से जो हमने एक वादा किया था आपसे कि जब आप लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे थे तो ये था कि हम आपको, हमने पहले उसमें बता दिया था कि हम आपको बाद में लिस्टिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे। अच्छा आज क्योंकि अभी हमने अपने बाहर वाले लोगों को बहुत सारे को इंट्रोड्यूस कराया, तो हम अभी लिस्टिंग वाले पोर्शन को जो है ना जिसमें HTML के ऊपर था, मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लूँगा क्योंकि हमारे पास अभी सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अब हम आ जाते हैं सेकंड लेयर के ऊपर। जो हमारी सेकंड लेयर थी वो थी साइबर सिक्योरिटी, और तीसरी चीज़ ये कि हम अपनी लिस्टिंग कब से लगाना शुरू करेंगे। अच्छा वो जो लिस्ट हम लोगों ने लगाई थी वो बिक गई, प्रोडक्ट बिक गई, वो चली गई। अब आप लोगों को जो है ना मैं कुछ प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ अपने पास से लगाने के लिए, ताकि हर शख्स कम से कम दो दो चीज़ें ज़रूर लगाएगा, ताकि दो प्रोडक्ट्स को लगाने के बाद उसको लिस्टिंग का जो एक प्रोसेस है वो पूरा समझ में आ जाए। उसमें मैं यहाँ से असाइन कर दूँगा किसी को जो आपको हेल्प करेगा। जो आप फर्स्ट टाइम लिस्ट लगा रहे होंगे वो आपके साथ ऑनलाइन वो करके आपके सामने अपने सामने लगवा देगा। प्रोफेशनल बनानी है, कोई भी उसमें जो है ना बिल्कुल बचकाना चीज़ नहीं हो, प्रोफेशनल हो, सब चीज़ें हों। और उसके बाद फिर जब वो लिस्टिंग लग जाएगी तो इस तरह से आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लिस्टिंग किस तरह से करें। आफ्टर टू डेज मैं फिर एक आप लोगों के साथ क्लास लूँगा। अब हालांकि मेरी क्लासेस जो थी वो मैंने हफ्ते में दो रखनी थी टाइम पीरियड, लेकिन अब मुझे ये है कि जितनी जल्दी आप लोगों की इनकम स्टार्ट हो उतना ही जल्दी, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि फौरी तौर के ऊपर आप लोग लिस्टिंग लगाना शुरू करें और आपकी इनकम शुरू हो। और उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप प्रोसेस में आ जाएंगे, दूसरे स्मूथ हो जाएगी। जब मैं आपको सर्टिफिकेट इशू कर रहा हूँगा इस कोर्स का, तो उसमें ये चीज़ लिखी हुई होगी कि आपने सक्सेसफुली लिस्टिंग की है और आपने उसको एक्नॉलेज करना है कि ये चीज़ हो गई, ताकि आप अपना काम भी कर सकें। अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट टू है, तो आप समझे दो दिन के बाद मैं आपको पाकिस्तान से लिस्टिंग के लिए दे रहा हूँ। एक बात ये समझ लो, देखो जैसे हरी मरी ने कहा
गजाला ने कहा, उन्होंने कुसिया ने बताया आप लोगों को और जैनब ने बताया, ये आपको बेस्ट आइडिया देंगे क्या चीज़ यहाँ बिकेगी। हम कोई बेवकूफ़ नहीं है, या हमारे पास कोई, हमारा मैं भी बाप नया नया नहीं मरा है कि हमारे पास पैसा आ गया बस हम चीज़ें खरीद के यहाँ मंगा लेंगे। नहीं, हम करेंगे ये कि हम स्मार्टली मूव करेंगे, जो चीज़ यहाँ बिक सकती है उसके सर्वे होगा, फिर हम वहीं से लगाएंगे और जब बिकना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास 3 से 6 महीने में एक डाटा कलेक्शन हो जाएगी, फिर हम उन प्रोडक्ट्स पर तवज्जो देंगे जो कि रेगुलर सेल में यहाँ पर आ रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें आप लोगों ने सर्च की थी वो सब बेकार हो गई, नहीं, बिल्कुल बेकार नहीं है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो उसने आमना शेख ने जो चीज़ें भेजी थी, दे आर सेलिंग वेरी गुड इन लाड़काना एंड अदर प्लेसेस लाइक दिस, क्योंकि उन लोगों का कल्चर अलग है, उनके कल्चर के हिसाब से आप उनको चीज़ें देंगी तो वो ख़रीदेंगे। अब अगर यहाँ पर जैसे हरीम ने और जैनब ने और कुसिया ने गजाला ने इन लोगों को बताया कि यहाँ पर जो कल्चर है वो डिफरेंट है, तो आप वो चीज़ यहाँ के लिए दें और वो चीज़ उसको वहाँ दें। अगर आपको एक शख्स की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको कोई चीज़ खाम खाम में बेचने की कोशिश करेंगे, बिकेगा नहीं, तो आप वेस्ट करेंगे। मैंने पहली क्लास में बताया था कि मैन तलाश करना होता है। व्हाट इज़ अ मैन? मैन इज मनी, अथॉरिटी एंड नीड। ये सेल्स का पहला उसूल है। इफ़ यू वांट टू सेल समथिंग, फाइंड अ मैन। मैन का मतलब मनी, अथॉरिटी एंड नीड। जिसके पास पैसे हो, अथॉरिटी और नीड हो, वो तलाश करो। अगर सड़क पर खड़े हुए आदमी को जो बस का इंतजार कर रहा है आप कहोगे जी करोला खरीद लो, वो खरीद ही नहीं सकता। तो आपने बस इन चीज़ों को समझना है कि साइकी, कि किससे आप क्या बात कर रहे हो, इसकी क्या रिक्वायरमेंट। आप उसको पानी की बोतल दोगे 15 रुपए की, वो खरीद लेगा, लेकिन गाड़ी नहीं खरीद सकता। लेकिन एक आदमी जो, यानी ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं। तो हमने क्या करना है, कोई भी चीज़ जो आपके पास आ रही है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है ज़ाया नहीं है। आप अगर एक शख्स कहता है कि जी ये मैंने इतने की देनी है, तो आप उससे पहले निगोशिएट करें, उसको समझाएं, नहीं समझ में आता ठीक है कोई बात नहीं, उसकी प्रोडक्ट उसी प्राइस पर लगा दें, हम आपको मना ही नहीं कर रहे। जो अब विन भी यूके पे जो प्रोडक्ट आपने लगानी है लगानी, क्या होगा, नहीं बिकेगी ना, लिस्टिंग ही हो रही है ना, नहीं बिकेगी ना, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद उस शख्स को जो वो जिसने आप जिससे आपने डील की थी, ना आपका कोई पैसा लग रहा है, ना कोई पाई लग रही है, उसने एक प्राइस आपको दी, उसने कहा इससे कम मैं नहीं दे सकता, आपने कहा ठीक है हमारी आपसे ये डील हो गई, उसके लिए सैंपल भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि वो आपकी एग्रीड प्रोडक्ट्स के अंदर आ ही नहीं रही ना। एग्रीड प्रोडक्ट्स में जैसे इसने बताया कि जैसे वो ट्राउजर्स थे वो यहाँ बिक सकते हैं, तो हम उसको बाय करेंगे, ठीक, क्योंकि कंसेंसस हो गया तो हम उसको बाय करेंगे, ले आएंगे अपने पास। लेकिन बाकी चीज़ें हम लगाएंगे ज़रूर, तो जो जो आइटम आपको मिल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें लें, उसको वेबसाइट पे लगाएं, क्योंकि आपका उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। बिकेगा तो कमीशन मिलेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं होगा, यही होगा ना ज़्यादा। लेकिन आपने अपनी दुकान भर दी, आपने अपने ऑनलाइन शॉप के अंदर माल इतना रख दिया कि विजिटर को वैरायटी नज़र आ रही है। हो सकता है किसी को कुछ भी पसंद आ जाए ले जाए, हो सकता है ज़्यादा प्राइस में कोई ख़रीद ले, फिर वहाँ से क्या होता है कि जो दूसरे लोग देखेंगे ना, तो फिर वो अपनी प्राइस आपके लिए खुद कम कर देंगे, उन्हें सेल करना है। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि किसी भी शख्स का कोई भी काम ज़ाया नहीं हुआ, चाहे वो शुएब ने तलाश की हो, चाहे वो हिरा ने तलाश की हो, चाहे वो किसी भी शख्स ने तलाश की हो, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं हुई है, ये याद रख लेना। क्यों? इसलिए कि वो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, आप उससे एग्री करें। एक साहब ने हैंडीक्राफ्ट भेजे हैं पेशावर से, अपने नहीं अलीना को भेजे थे पिंडी से, एंड दे आर परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के थे। तो हम वो सब चीज़ें लगा रहे हैं, वो हम यूएस भी भेजेंगे, हर जगह भेजेंगे, यूएस में खुद से बिक रहे हैं। अब जैसे जैनब ने कहा कि भाई पाकिस्तानी ड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, हार्ड टू फाइंड है, पाकिस्तान से मंगाएं, अगर कोई ख़राबी हुई रिटर्न करना एक प्रॉब्लम है, तो अगर आप वो काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। शी विल अलाउ यू टू लिस्ट योर पाकिस्तानी ड्रेसेस विच आर गुड ऑन हर लिंक्स, वो आपको अलाउ करेगी, आप उसके लिंक्स पे लगाएं, क्योंकि उसको भी अर्निंग होगी, तुम्हारी भी अर्निंग होगी। तो ये एक म्यूचुअल कंसेंसस के थ्रू ना हम आगे लेके चलेंगे इसको। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। तो पहले बात मैं समराइज़ करूँ, इस पूरे जो अभी मैंने डिस्कशन की थी उसको समराइज़ कर रहा हूँ। समरी इसकी ये है कि कोई भी काम जो आपने किया वो ज़ाया नहीं हुआ, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि वो प्रोडक्ट जिस प्राइस पे वो बंदा बेचना चाहता है, वो अगर आप तो खुद मार्केट सर्वे करके कुछ अर्से में आप खुद परफेक्ट हो जाएंगे, तो आप बता देंगे उसको कि भाई ये इतने की हो सकती है, अगर तुम कहो तो हम लिस्ट कर दें तुम्हारे लिए। वो कहता है हाँ कर देंगे, मैं इससे कम नहीं बेच सकता, आप लिस्ट कर दें उसी प्राइस के, बाद नहीं बिका उसका नसीब, बिक गया उसका नसीब। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें होती है। मैं तुम लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास ना मेरे बेटे का एक आईपैड था, वो फर्स्ट जनरेशन आईपैड था, तो यूज़ ही नहीं करता था, उसके पास दूसरी चीज़ें खेल रहा होता था।
वो मैंने ईबे पे लगा दिया बेचने के लिए. अच्छा, मैंने इतनी तवज्जो नहीं दी, वो 40 pounds का बिका. ठीक, मैं उसके अंदर कुछ एरर आ रहा था सॉफ्टवेयर का, तो मैं उसको डिलीवर नहीं कर सका, तो मैंने उसको लिख दिया कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तुम्हें कुछ दिन में. कहता नहीं, मेरे पैसे वापस दो. मैं कह ले भाई तू वापस ले ले, पैसे वापस दे दिए, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था इतना, और किसी चीज़ को मैं किसी शख्स को गलत चीज़ तो बेचूंगा नहीं किसी हाल में भी कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और मैं उसको भेज दूँ. अब क्या सीन हुआ? अब सीन ये हुआ कि वही प्रोडक्ट मैंने फिर टाइम मिल गया, मैंने उसमें सिर्फ ये था कि टाइम आगे पीछे था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से यूज़ नहीं हुआ था, बैटरी डाउन होकर बंद हो चुका था, तो उसका टाइम अपडेटेड नहीं था. वो मैंने देखा, अच्छा टाइम अपडेटेड किया, सब कुछ मैंने दोबारा लगा दिया. अब पता है वो कितने का बिका? 82 pounds का बिका नेक्स्ट टाइम. अब आप सोचिए ज़रा, मैं वो 40 pounds में देने को तैयार था, क्योंकि मेरे पास तो फालतू पड़ा हुआ था ना, उस वक्त नहीं बिका. दोबारा लिस्टिंग लगाई, वही लिस्टिंग, वही सब कुछ, और ऑक्शन के अंदर वो 82 pounds का बिका. क्योंकि वैसे अगर कोई बायआउट नाव में करता तो उसको तकरीबन 160-170 pounds का था, 150 pounds का था. तो मैं हैरान. तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं. तो आप किसी को मना ना करें, अगर कोई चीज़ अपनी बेचना चाहता है आपसे डिस्कस कर लेगा, वो कहता है जी मैं सप्लाई दूंगा आपको, आप लगा दें, तो आप लगा दें उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं. पाकिस्तान में विनबे यूके में मैं आपको आज कल का दिन छोड़ के परसों शाम में सारे एक्सेस दे रहा हूँ सबको, और आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देनी है. ठीक, फिर उसके बाद उसमें से जो चीज़ें प्रोडक्ट फाइनल हो जाएंगी वो 1 January के बाद आप यूके में लगाना शुरू कर देंगे. ठीक, ये हो गई दो बातें. अब आप आ जाएं तीसरी बात की तरफ. साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन का जो हमारा चैप्टर है ना, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूँगा, क्योंकि हमेशा बहुत लंबी क्लास हो जाती है, तो फिर वो डाटा इतना ज़्यादा होता है. साइबर फ्रॉड मुझे शाहरुख ने बताया, मैं शाहरुख से कहूँगा कि शाहरुख थोड़ा सा जो है इस चीज़ के ऊपर बताए कि उसको क्या मार्केट से चीज़ें सुनने को मिल रही हैं, ताकि मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ. शाहरुख जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. कल मेरी सर से काफ़ी डिटेल में बात हुई है, अराउंड 2 hours and plus 2 hours, इसी टॉपिक के ऊपर. पाकिस्तान में जो है वो यूजुअली एक ट्रेंड चला है कि आपको जो है पेपैल का अकाउंट बना के विद इन आप पाकिस्तान रहे हुए आप बाहर ना जाएं, आपको यहीं डोर स्टेप पे आपका पेपैल अकाउंट बना के आपको कार्ड के साथ दे दिया जाएगा, आपको जो है आपकी एक कंपनी यूके में खोल दी जाएगी, वर्चुअल कंपनी, एंड कंपनी इज ओरिजिनल, यानी उसका एड्रेस जो होगा वो वर्चुअल होगा, आपको एक वर्चुअल नंबर भी दे दिया जाएगा. आप सिर्फ जो है 7-8 lakh रुपए एक शख्स को दे दें और वो आपके बिहाफ पे ये सारे काम कर देगा. यानी एक ये ट्रेंड चला है. तो मेरी कल सर से बात हुई थी कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप मुझे बताइए इस बारे में कि इस तरह हो सकता है. तो फिर हम जब सर ने मुझे सारी चीज़ें बताई कि वर्चुअल कंपनी एड्रेस अगर आप खोलने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी बहुत ईजी हो सकता है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? कल को अगर मैं ही एक वर्चुअल कंपनी एक ऑफिस ले लूँ 100 pounds का और उसमें जो है एक वेबसाइट बना लूँ यूके से और बोलूँ कि सब वर्चुअल उस कंपनी पे एड्रेस पे अपनी अपनी कंपनीज खोल दीजिए, और जब सबकी कंपनीज खुल जाए उसमें जब ऑटोमेटिकली इफ दे आर आस्किंग फॉर अराउंड 7 lakh रुपए पाकिस्तानी तो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो डेफिनेटली अगर ऐसे हमें 1000 बंदे मिल गए तो वो सब के पैसे जमा करके वर्चुअल कंपनी बंद कर देते हैं. तो द फ्रॉड इज इसमें जो है बहुत बड़े बड़े नाम हैं, उनके अराउंड 2-3 million फॉलोअर्स भी हैं लोगों के. तो इस तरह के ब्रांड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं. इसके अलावा एक नया फ्रॉड ये चल रहा है कि फ्लाईबिट के नाम से जो है वो सिखा रहे हैं बंदे, 2.5 lakh लोग जो हैं वो जब लाइव सेशन में होते हैं तो उसको फॉलो कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि आप जो है इस तरह जाएँ एक वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट का लिंक जो है वो छोटा हो जाएगा वहाँ जाके, और जो आप जैसे ही वो पेस्ट करेंगे व्हाट्सएप या वहाँ पर तो आपको जो है ऑटोमेटिकली वो एक ऐड चलेगा, आपको कितने 7 seconds के लिए 8 seconds के लिए वो ऐड देखना है और उसके बाद आपकी इनकम जनरेट हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं. लेकिन वही है कि एक दफ़ा अगर बंदे ने कर दिया, एंड इफ ही गॉट्स 100,000 पीपल डूइंग दिस एंड ही गेट्स अराउंड 1,000 rupees पर मंथ पर्सन, तो उसने तो बना ली अपनी दिहाड़ी. तो इस तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं. तो अब वही सर से मेरी बात हुई काफ़ी डिटेल में कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है. एक बंदा जब खुद कहीं बाहर नहीं जा रहा तो वो कैसे ऑनलाइन चीज़ें, और पेपैल तो आ ही नहीं सकता पाकिस्तान में अगर वो दे रहे हैं. फिर मेरे एक साहब मुझे मिले, मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो मेरी उनसे बात हुई, यही सेट कि मैं भी यही काम कर रहा हूँ. मैंने जो है वो 6 months में एक नई होंडा सिविक कार ले ली है दैट कॉस्ट अराउंड 4.2 million पाकिस्तान रुपीज़, 42 lakh रुपये की गाड़ी. तो अगेन
डॉक्टर साहब ने बहुत सीरियसली बोला कि मैंने बहुत क्लियर बोला है कि इससे ऐसा कुछ नहीं हो सकता. 6 महीने में अगर कोई घर बैठे हुए बाहर नहीं जा रहा और सारी चीज़ें बाहर करके गाड़ियाँ भी ले रहा है तो आई थिंक ही हाँ वो ये हो सकता है कि वही दोबारा के एक अगर सेटअप चलाएं कि मैं किसी को हायर करूँ फॉर 25 लाख पाकिस्तानी रुपीस लेकर और मैं उससे बोलूँ कि आप जाओ 10 ऐसे और बकरे लेकर आ जाओ या ऐसे विक्टिम लेकर आ जाओ जो ये पैसे दे सकें, आपके 25 लाख आपको वापस दे दिए जाएंगे विद सम प्रॉफिट. तो ये चीज तो चल रही है वो उसके रेफरेंस में, लेकिन जो है वो उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है. मैं अब थोड़ा सा जो है ना इस चीज को तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. बात ये है कि हमें पता नहीं थी बहुत सारी चीजें, तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हम अपनी विंबे पीके विंबे यूके स्टार्ट करने जा रहे थे. उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक लाइसेंस है ईएमआई का, जो कि ऑनलाइन बैंकिंग का लाइसेंस है, जिसके लिए हमने अप्लाई किया और हमने वो लिया और उसकी 200 मिलियन की बैंक गारंटी है जो हमने फर्निश की. उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि आपको me.paypal का एक लिंक आपकी वेबसाइट पर दे सकते हैं कि आपने अगर कोई पेमेंट पेपैल से लेनी है उसमें ले लें. वो पैसे पे भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो यूके के हमारे अकाउंट में आएंगे. वो फिर हम आपको हमारा जो ऑनलाइन बैंक का सिलसिला उसमें दे सकते हैं. और ये एक लेजिटिमेट बिल्कुल गवर्नमेंट से अप्रूव चीज़ है. इसने जब मुझे बताया तो फिर मैंने समझा उस चीज़ को. उसने कहा कि जी वो बंदा मिला है मुझे, वो कह रहा है कि मैंने तो 6 महीने में 42 लाख की गाड़ी खरीद ली और मैंने पैसे लगाए थे 25 लाख रुपये. और वो साहब सनी अली नाम है उनका, और वो साहब जो है वो ये कह रहे हैं तुम 1 साल तक ये कारोबार करो, तुमने 25 लाख से कारोबार शुरू किया, मैं तुमसे 1 करोड़ में तुम्हारा कारोबार वापस खरीद लूँगा. फिर मैंने उनको बताया और फिर ये था कि जी वो 45 पाउंड में जो है ना वर्चुअल ऑफिस दे रहे हैं यूके के अंदर. अब जब उन्होंने बताया 45 पाउंड में, तो मैंने कहा भाई वर्चुअल ऑफिस में किसी ने आना जाना तो है नहीं, मैं तो अपने एड्रेस के ऊपर 1000 ऑफिस अभी खोल दूँ खड़े करके. तो देखो मैंने फिर उनकी कुछ वीडियोज़ वगैरह देखी, तो जो चीज़ मुझे समझ में आई वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा आपसे कहेंगे कि जी आप इतने करोड़ कमा लेंगे, इतने लाख कमा लेंगे, आपको सिर्फ ख्वाब बेच रहे. मैं किसी से ये नहीं कह रहा कि तुम लोग गो बहुत ज़्यादा, तुम लोग अपने अच्छे घर चल जाए ना तो वो बड़ी बात है, वक्त लगेगा चीज़ों को बनने में. अभी उसामा से मेरी बात हो रही थी तो मैं उसको यही समझा रहा था कि जब तुम लोग फाइनल कर लोगे ना, जो कुछ प्रोडक्ट सामने आ जाएंगे, कुछ पैसे हाथ में होंगे, तुम अपनी प्रोडक्ट बनाना शुरू करोगे तो फिर तुम्हें फ़ायदा होगा. यहाँ पे मैं तुम लोगों को जो चीज़ सिखाऊंगा प्रोडक्ट लिस्ट, आप जो है ना अभी आप सीख रहे हैं सिर्फ बेचना. जब आपकी बेचने की जगह पक्की हो जाएगी ना, चीज़ बिक रही होगी, तो फिर आप शुरू करेंगे बनाना ताकि आप प्रॉफिट ज़्यादा ले सकें. अभी मैंने आपको कॉस्टिंग के तरीके नहीं सिखाए. देखो एक फ्रॉक है बच्ची की, वो 1400 रुपए की मैंने देखी हुई लगी हुई. फ्रॉक में कितने कपड़ा लगेगा भाई, 100-200 रुपए का, बाकी कारीगरी है हाथ से काम करने के. तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं ना तो क्या होगा, सर आज प्रोडक्ट फाइनल करेंगे, हाँ करेंगे दीदा. अच्छा अब उसके बाद क्या होगा कि जब इस तरह की चीज़ें तो आपको कॉस्टिंग समझ में आ जाएगी, तो आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे और कम कॉस्ट के अंदर चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे और 1-2 प्रोडक्ट लेके आगे चलेंगे. तो साइबर फ्रॉड में इस वक्त ये हो रहा है कि आप ख्वाब बेचें और ख्वाब बेचने के बाद लोगों से पैसे ले लें. अब वो लोग जो कर रहे हैं 25 लाख रुपए लेकर के आपसे कहेंगे हम आपका कारोबार शुरू करा रहे हैं, आपने ये कर लें. तो मैंने उससे कहा कि पहली बात ये कि यूके में आपको टैक्स देने की क्या ज़रूरत है, आप पाकिस्तान में बैठे काम कर रहे हैं. आपने सिर्फ और सिर्फ इतना करना है ना कि आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है, क्योंकि यहाँ पर आपके फिजिकल फॉर्म के अंदर वो लोग मौजूद हैं जो यूके में आपको सपोर्ट दे रहे हैं, उनके यहाँ कोई इस तरह का नहीं होता. फिर वो आपको सिखाने के बाद कहते हैं अब आप जाएं ऑनलाइन फाइवर पे, इसके ऊपर क्या नाम है उसका, दूसरी जगहों पे अपना अपवर्क के ऊपर और फ्रीलांसर पे, और वहाँ पे पोस्ट करें कि आपको जो है ना फ्रीलांसिंग का, आपको वीए का काम आता है तो आपको काम देंगे. इसीलिए मैंने अब ये कोर्स बंद कर दिया, ये लास्ट बैच है, इसके बाद कभी कोई और बैच नहीं होगा. इसलिए कि हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं, हमारा टारगेट डिफरेंट है, और हमने इसीलिए लास्ट टाइम जो एक वीडियो बनाई थी उसमें कहीं भी कोर्स का तस्करा नहीं था, बल्कि उसमें यह था कि अगर लोकल कोई भी शख्स है जो अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो प्रोडक्ट को हम बाहर सेल करा सकते हैं और हम उसके लिए उससे बाय करेंगे. हम उससे कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, उससे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे. हमने कभी भी किसी से नहीं कहा कि तुम इन्वेस्टमेंट करो. हमने कहा प्रोडक्ट लेकर के आओ, हम तुम्हें बताएंगे उसमें क्या कमी बेची. जैसे कि हरीम ने बताया, जैनब ने बताया, कुछसिया ने बताया, गजाला ने गाइड किया आप लोगों को कि जो चीज़ यहाँ मार्केट में चल रही है हम वो गाइड करेंगे, इस तरह नहीं इस तरह करो, क्योंकि उसको स्किल तो आती है, सिलाई मशीन चलाना आती है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें. अब उसको हमने गाइड करके अपने मर्जी की प्रोडक्ट बनवानी है. प्रोडक्ट फाइनल हो गई, आपके सैंपल्स बन करके आ गए, आपने साइन ऑफ कर लिया, आपने कहा आप तुम बनाए जाओ पैसे लिए जाओ, ये हमारा काम है, हम कहाँ लेके जाएँ कैसे बेचें. और अगर तुम खुद बेचना चाहते हो जैसे उसामा ने कहा, तो हाँ ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को खुद बनाएं और आप अपने इन्वेस्टमेंट से करें और आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं, फिर हम अपनी वेबसाइट का जो भी हमारा आपका कमीशन बनेगा वो लेंगे.
तो सबसे पहली चीज ये है कि बहुत सारी चीजें इस तरह की मार्केट में चल रही हैं जो कि बड़े लेवल पे एक्सप्लोड होंगी बहुत जल्दी, इसलिए कि अब वो चीजें एक्सप्लोड होना शुरू हो गई। मैं वेबसाइट पे देखा तो वो 4-5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, वो कासिम अली शाह पता नहीं कौन कौन। तो अब हमने पहले हमने डिसाइड किया कि हम इसके बारे में कोई वीडियो बनाए, फिर हमने डिसाइड किया नहीं, हमारा काम अलग है, हम अलग लोग हैं, हमारी अपनी वेबसाइट है, हमारी अपनी प्रेजेंस है, हम फिजिकली मौजूद हैं, हमारे लोग मौजूद हैं जो वहाँ काम करें, हम आपको लिस्टिंग के लिए जगह प्रोवाइड करें, आप हमारे लिए काम करें, हम आपके लिए काम करें, हमने टुगेदर ग्रो करने, ठीक है, ना कि हमने ये करने कि किसी तरह आपकी जेब में जो पैसे पड़े हैं वो लालच दे के निकाल लिया जाए। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो साइबर क्राइम और ये चीज़ें ना, ये सब चीज़ें इस तरह से करके अब बहुत आ गई। वो जो उसने बताया फ्लाई का, फ्लाई ऐड के ऊपर इतने पैसे कमा लें, ऐड देख करके इतने पैसे कमा लें, ये सारी बेस्ट की कंपनियों के चक्कर हैं, उनमें आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, वो उनको छोड़ा जाता है, उनको जानबूझ के बताया जाता है इस तरह से करें। YouTube और Facebook और ये सारे के सारे जो है ना ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे होते हैं, ये तो एक जनरल सी चीज़ें ना कर रहे हैं प्रमोट, तो अब आपने बचना है। अच्छा, अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। इस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपने क्या करना है, देखो जितने लोग हैं सबके अपने अपने एक तो पर्सनल वेब पेज होते हैं, तो वो पेज आपके अपने पर्सनल हैं, उसको आप अपना पर्सनली रखिए, ठीक। फिर आपके पास एक वेब पेज जो है वो पर्सनल नहीं है, वो आप अपना प्रोडक्ट का पेज बनाएंगे, जैसे कि रिमशा ने बनाया है, आमना ने बनाया है, बड़ा अच्छा पेज था, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं। देखो तुम हमारे मोहताज नहीं हो, ठीक है, तुम हमारे मोहताज नहीं हो कि अगर जनाब बेंसन कंपनी काम करेगी तो आप पैसे कमाएंगे वरना नहीं कमाएंगे। हमने ये जो कुछ आपको सिखा रहे हैं उससे आपको इस काबिल बना देना है कि आपकी नॉलेज इतनी हो कि कल को अगर आप बेंसन के साथ काम नहीं भी करते तब भी आप कमा सकें। मेरी कोशिश तो होगी काम करो, सारी ज़िंदगी काम करो, क्योंकि अच्छा काम होगा, हम भी पैसे कमाएंगे, तुम भी कमाओगे, तुम भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें। अब कमाने के तरीके क्या क्या हैं वो समझ लो। आपने अपने अपने वेब पेजेस बनाने, ठीक है, वेब पेज भी बनेंगे आपके जिसको मैं आपको होस्ट करा दूंगा, फेसबुक पेज बनेंगे, ट्विटर अकाउंट बनेंगे, तमाम सोशल मीडिया पे अकाउंट बनेंगे, ठीक है, ये हो गया। जो प्रोडक्ट आप लगाएंगे पाकिस्तान में, जो प्रोडक्ट आप लगाएंगे यूके के अंदर, तो यूके के अंदर भी फेसबुक चलता है, ऐसा तो नहीं चलता। और जो मैंने आपसे कहा ना पाकिस्तानी कम्युनिटी, जैसे जैनब कह रही थी कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड है पाकिस्तानी ड्रेसेस की, खासकर जब कोई शादी ब्याह होता है ना, तो जो लोग यहाँ रह रहे होते हैं उनके पास कपड़े नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उनको चाहिए होते हैं कि भाई किसी से आप कहाँ से तलाश करें, भाई पाकिस्तान से कोई बनवा के मंगवा लो, ये सब चक्कर चल रहे। तो अगर आपने यहाँ पर ये दे दिया कि ये ड्रेसेस हैं, अब कंपनी यहाँ मौजूद है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आप समझें यू हैव गॉट अ विन विन सिचुएशन। लोग कर रहे हैं, लेकिन आपने अब पेनिट्रेशन अपनी कैसे लेके जानी है, उस कम्युनिटी में कहाँ से एंटर होना है जहाँ पर आपका बायर मौजूद है, ये इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी अपनी एक वेब पेज हो जिसको मैं होस्ट करके दूंगा आप लोगों को, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें मसला नहीं, हमारे पास बहुत जगह है, हमारा अपना डाटा सेंटर है एक। दूसरी तरफ आपका फेसबुक पेज जो है पेज अलग हो और आपका फेसबुक अकाउंट अलग हो, पर्सनल अकाउंट को उसको दोनों को अलग अलग रखो। फिर जिनको आप इंक्लूड करना चाहते हैं पर्सनल से उसमें आप उसको ऐड करा लें। फिर जितनी भी जगह पर आप अपने वो लेके जाएंगे, जितनी जगह पर भी आप उसको पोस्ट करेंगे, जितने भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं उतने ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आपका लेवल एलिवेट होकर के ऊपर आ जाए। ठीक, लेवल एलिवेट होकर ऊपर आएगा, आपकी प्रेजेंस बढ़ेगी, आपकी प्रोडक्ट देखी जाएगी। ईबे पे जब आप प्रोडक्ट लगाएंगे तो अब आप समझें, वो मैं नेक्स्ट अब जो क्लास 2 दिन के बाद लूँगा इमीडिएटली, क्योंकि आज मैंने इंट्रोड्यूस कराना था भारतीय लोगों से तो हमारा कुछ टाइम उसमें निकल गया, तो 2 दिन के बाद जो क्लास होगी तीसरे दिन से आपने, यानी आज है मंडे, तो ट्यूसडे वेंसडे को हमारी क्लास होगी और वेंसडे की क्लास के बाद थर्सडे मॉर्निंग से आप लोग अपनी प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इन 2 दिन में यानी आज और कल के अंदर वेंसडे की क्लास से पहले टाइम यही होगा, सारी प्रोडक्ट्स आप लोगों की फाइनल हो चुकी होंगी, आप लोगों को हम गाइड कर चुके होंगे किस तरह से लगाना है, और थर्सडे मॉर्निंग से आपने अपनी प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देनी है विनबे यूके के ऊपर। ठीक, पहला स्टेप आपका ये होगा। फिर दो प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने डिलीवरी भी देनी है ना, झांसा तो देना नहीं है लोगों को कि माल पाकिस्तान में पड़ा हुआ है यहाँ आपने लगा दिया, ऐसा भी होगा कि पाकिस्तान में माल होगा हम यहाँ लगा देंगे ट्रायल के लिए, अगर बिक गया तो हम बाय एयर मंगा लेंगे, हम अपना खर्चा ज़्यादा कर लेंगे, प्रॉफिट ख़त्म कर लेंगे, मगर हम प्रोडक्ट को टेस्ट कर लेंगे इस तरह से करके, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 से 4 दिन में आ जाता है, यानी पाकिस्तान पोस्ट से भी मंगाते हैं तब भी आते हैं, उसमें 5 पाउंड लगते हैं, तो जो आइटम 60-70 पाउंड का है उसमें 5 पाउंड देने में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप ये समझें
कि हमने उसके बाद आप सबको दो दो तीन तीन आईडीज हम खुद लगवाएंगे यूके की आपकी ईबे पे, विनबे यूके पे हम आपको गाइड करेंगे, आपने अपनी सारी प्रोडक्ट्स उस पर लगा देंगे। ठीक, फिर वेंसडे को ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसी गुर की बात बताऊंगा, गुर की मैं इस पर इतनी बता रहा कि ये तो पब्लिक होकर जाएगी ना आगे, तो वो हम अपने उसमें बताएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हम आपको ऐसी देंगे कि आपके पास आपके घर में हर हाल में मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगी। ठीक, और वो लोकल मार्केट की प्रोडक्ट है। अब मैं तुम लोगों को एक मजे की बात बताऊँ, मुझसे अभी शाहरुख ने अली ने शेयर की, उसने शेयर किया मुझे एक वेबसाइट का, जो कॉन्सेप्ट हम लेकर के आ रहे थे वो कॉन्सेप्ट उन्होंने उठा के फेंका है मार्केट में। देखो कितनी जल्दी, जो वो पहले से वो कंपनी मौजूद थी मार्केट में, मगर उन्होंने इस चीज़ नहीं सोची। अब एकदम से उनको ये हुआ कि यार, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी हम आपके लिए स्टोर बनाएंगे, कहाँ पे, लंदन में हम आपके लिए स्टोर बनाएंगे, यूरोप में, आप हमारे साथ काम करें। पहली 10,000 कंपनियों को हम फ्री वो दे रहे हैं, यानी सर्विस दे रहे हैं, कोई चार्जेस नहीं लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप हमारे साथ मिलकर काम करें। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि वो जो हमने कॉन्सेप्ट दिया आपको बना करके कि जी आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद काम हमारा है, उन्होंने फौरी तौर पर उस चीज़ को उस तरफ ले गया और लगा दिया, और फेसबुक के ऊपर उन्होंने बिल्कुल भरमार कर दिया इस वक्त। कोई बात नहीं, ये सब तो होगा, कॉपीराइट तो उसमें है नहीं, हमको यूएस में तो बैठे नहीं, तो ये तो सब चीज़ें होंगी, तो मार्केटिंग में हमें कोई इसमें इशू नहीं, क्योंकि वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम करेंगे, किस्मत होती है, लेकिन आप जो है किस तरह काम करेंगे, आप स्मार्टली काम करेंगे कि आपकी चीज़ें जो आपने लगानी है ना, उसको किस तरह मार्केट करना है। अब आपका एक ग्रुप बन चुका है, एक अच्छा सा ग्रुप बन चुका है, जो इंटरनेशनली लोग मौजूद हैं, स्पेन से मौजूद हैं, अमेरिका से मौजूद हैं, यूके से मौजूद हैं, जर्मनी से मौजूद हैं, आपके पास ऑस्ट्रेलिया से मौजूद हैं, आपकी हर उस जगह बड़ी मार्केट के लोग मौजूद हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल करवाएंगे, जो वहाँ पे जाके मिलेगी और चलेंगी, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपने सिर्फ प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करवानी है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई। तो पहले लेवल के ऊपर हर वो प्रोडक्ट जो आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उससे लेकर के उसको अपने विंडो यूके पे लगा लें, विंडे पीके पे लगा लें, उसके रिजल्ट्स देखेंगे, साथ साथ मैं आपको ईबे के ऊपर प्रोडक्ट दे दूंगा, वो लगाना शुरू कर दें, इस तरह से करके चलेगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे एक चीज़ और हुई है, जो इनेबलर्स वाले हैं, उसने तो नाम नहीं लिया था, मैं बताया तो उन्होंने ये किया, एक और चक्कर चला दिया। अब उनके जो ट्रेन किए हुए लोग थे वो फालतू बैठे हैं, उनको नहीं मिल रहे काम और उनको कुछ नहीं कर रहे, तो उन्होंने कुछ पेड लोग बनाए हुए हैं कि जो उनकी सक्सेस स्टोरी शो करने के लिए, ताकि ज़्यादा लोग, अब 50,000 रुपये एक आदमी ले रहा है कोर्स कराने के, और वो उसके बाद जो है ना उसके 2.5-3 लाख व्यूअर्स हैं। तो जब नाजिश ने मुझे, सबसे पहले नाजिश जाफरी ने मुझे बताया था, तो मुझे हैरानगी हुई थी कि ना आप तो कहीं हैं नहीं फेसबुक पे, कहीं पे आपकी कोई मार्केटिंग, क्योंकि हमने तो कभी मार्केटिंग की नहीं, क्योंकि हमारा तो मकसद हमारा अपना था, जो हमारी तो अपनी वेबसाइट आ रही थी, हम तो अपना लाइसेंस ले रहे थे गवर्नमेंट से बैंकिंग का, हमारी तो अपनी इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, तो हमें ज़रूरत नहीं थी, हमें तो एक अच्छे लोगों का ग्रुप बनाना था, और वो हमने कहा हम ले लेंगे फ्री में, लोगों को, हमारा मकसद था आम आदमी को सपोर्ट करना कि उसके घर में एक्स्ट्रा इनकम जाए, उनका मकसद है कि आप जो पैसे दें। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि जी रैपिड यूके बना दिया इनेबलर्स, और रैपिड यूके क्या है, उन्होंने कहा जी फलानी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाएँ, यहाँ से जो ना आपने जितने भी लोग अभी वो बने जिन्होंने कोर्स किया, वो वहाँ पर जाएँ और इस कंपनी से माल खरीदें, ये होलसेल रेट में माल देंगे, और आप उनको पेमेंट कर दें और वो आपके बिहाफ पे अमेजोन में लगा देंगे। अरे तो बेवकूफ़ हो, खुद क्यों नहीं वो कंपनी लगा देती है अमेजोन पे, आपसे क्यों कह रही है लगाने को, इससे बड़ा और कुछ हो सकता है कि मैं आपसे कहूँ कि जी ये मेरी प्रोडक्ट है नाजिश, आप ये खरीदें और ख़रीद के वेबसाइट पे लगा दें, तो भाई मैं क्यों नहीं लगाता। तो ये अब सारे के सारे ना इस तरह की चीज़ें चल रही, तो हमने अपने आप को बदनाम होने से बचाने, हम आगे कोई इस किस्म के कोर्सेज नहीं कराएंगे ना अनाउंस करेंगे। आप लोग जब सक्सेस स्टोरी देखेंगे, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा चाहिए ना काम करने के लिए, हमारा मकसद तो पूरे पाकिस्तान के अंदर लोकल बनने वाली प्रोडक्ट्स को ऊपर लेकर के आना है ना, तो हम क्या करेंगे कि हम अब ऑर्गेनिकली काम करेंगे, हम कोई इस तरह के कोर्सेज अनाउंस नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कल को हमें कोई ये कहे कि जी हम इस तरह से करें। ठीक, ये बात हो गई। एक दूसरी चीज़ है कि अब आप लोगों ने सब लोगों ने एक दूसरे के वेब पेजेस को लाइक करना है। ठीक है, हर शख्स का अपना पर्सनल पेज अलग होगा और हर शख्स का प्राइवेट यानी जो बिजनेस पेज अलग होगा। मैंने जो आप लोगों को जो सिम के लिए कहा था, अब मैं वो रोक रहा हूँ। ठीक, इसलिए कि जिस जिसको मैंने दे दी, क्योंकि कल को फिर मेरे साथ भी ये ना हो कि लेकिन क्योंकि आपने वो सिम बेच रहे हैं, या तो सिम तो आपको मिलके आपके लिए सिर्फ इसलिए ना कि आप यूके में अगर कोई प्रोडक्ट लगा रहे हैं, जैसे जैनब ने कहा कि यहाँ पे
गारमेंट्स जो है ना वो जो जो पाकिस्तानी कपड़े उनकी डिमांड होती है और वो नहीं मिलते, मुश्किल से मिलते। तो अगर एक आदमी को ये हो कि ये कपड़े पाकिस्तान से आएंगे तो उसके जहन में दूसरा सवाल ये होता है कि सब कुछ अच्छा, हम भी पाकिस्तानी से, कपड़े भी पाकिस्तानी, अगर कुछ खराबी होगी तो हम कहाँ लेके जाएंगे। उस सूरत में कॉन्फिडेंस लेवल देना होता है कि आपकी कंपनी के लिंक्स यहाँ मौजूद हैं, आपकी कंपनी यहाँ मौजूद है, जिस कंपनी से आप काम कर रहे हैं उनके कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें उनको रिटर्न करना है तो उनको वापस पाकिस्तान नहीं भेजना, वो 20 पाउंड लगा के वापस पाकिस्तान नहीं भेज सकते, तो पाकिस्तान की बदनामी भी बचेगी और आपके पास होगा। जिन लोगों को मैंने दे दिया, आगे जो नहीं लेना चाहता बिल्कुल ना ले, लेकिन कोई अगर शख्स समझता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, जैसे आफ्ताब काम कर रहा है, तो उसमें फिर ये कि फिर मैं उनको दे दूँगा, बट इज़ नॉट ओपन फॉर एवरीवन नाउ, क्योंकि आई डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ दिस कि जी ये हमने कोई इसको मैंडेटरी नहीं किया हुआ। तो फिर आप लोग पाकिस्तानी वेबसाइट पे तो प्रोडक्ट लगा ही रहे तो वो लगा लीजिएगा, वरना किसी और के साथ शेयर कर लीजिएगा, यार तुम इस तरह कर लो। फिर नाजिर का सवाल ये था कि इतने सारे लोग पोस्टिंग लगा रहे हैं और एक ही चीज़ की पोस्टिंग लगा रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसका माल बिका। तो देखिए मैंने इसमें ये किया था कि जो पिक्चर्स आप लगाएंगे ना उसके ऊपर, वो पिक्चर आप ईबे पे नहीं लगाएंगे, वो मैं फिर गाइड करूँगा, वो आप लगाएंगे फोटो बकेट के ऊपर, क्योंकि ईबे जो है वो जब आप पिक्चर लगाते हैं ना उसके ऊपर तो वहाँ से तो आप नॉर्मल पिक्चर लगाएंगे, लेकिन जो एचटीएमएल पिक्चर है वो फोटो बकेट पर लगेंगी। ये ईबे ऑथराइज करता है लेकिन ईबे उसके पैसे चार्ज करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम वो लगा रहे हैं बाहर, वहाँ से फोटो बकेट का लिंक उस पेज के ऊपर आ रहा होगा और पेज के ऊपर ना आपका या तो आपका नंबर लिखा होगा जो आपके, जिसमें ये होगा कि आपको पता चलेगा कि ये वाली लिस्टिंग मेरी लगी हुई है, ये आमना की लगी हुई है, ये आसिम की लगी हुई है, ये अहमद रजा की लगी हुई है, ठीक है। तो जिसकी बिक रही होगी वो सब नज़र आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा तो सबका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उसमें रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अब आपके पास, हम जो है ना आज की मीटिंग पूरा एक घंटे से ज़्यादा हो चुका है, तो ख़त्म करते हैं, सेशन ख़त्म करते हैं, और अगला जो हमारा है 2 दिन के बाद क्लास है, उस क्लास के बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट लगाना शुरू करनी है। 2 दिन आपके पास है कि अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको फाइनलाइज कर लें, और मैं काशिफ जावेद को बोलूँगा कि वो थोड़ा सा हमें गाइड करे कि वो, क्योंकि वो मार्केटिंग को हेड कर रहे हैं, वो कैसे लेके चलना चाहेगा। काशिफ जावेद, आर यू हियर? आई कॉन्ट सी हिम। यस सर। या जी जी, अच्छा डेल के नाम से आयो। बेटा बताओ कैसे मार्केटिंग के लिए गाइड करोगे तुम इन लोगों को? सर एक तो ये है कि अगर हम फेसबुक से स्टार्ट करते हैं तो सर जिस तरह हमारे सारे कोलीग्स ने सब ने अपना एक वेब पेज बनाया है, उसमें वो सारे अपने ऐड लगाएंगे वन बाय वन करके, तो सर ऐड तो वो लग जाएंगे और अपने फ्रेंड्स को वो इनवाइट कर लेंगे, यहाँ तक तो बात खत्म होगी। दूसरा सर पॉइंट ये है कि अगर वो जो एडवर्टाइजिंग लगाएगी, अगर उसको बूस्ट करना है, मतलब हमारी जो टारगेट ऑडियंस है उस तक हमें पहुँचना है, तो सर हम फेसबुक हमें उसके भी एक प्रोसीजर देता है कि अगर हमने लाहौर में लोगों को टारगेट करना है, अगर हमने कराची में, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में लोगों को टारगेट करना है, या वो सर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हों या वो लेदर से हों, तो सर उसका एक फेसबुक हमें एक पूरा क्राइटेरिया देता है, हम उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन सर उसके लिए यह है कि सर फिर वो हमें जो हम जितने भी हमारे कोलीग्स हैं उन्होंने जो जो अपना पेज बनाया है उसमें वो जो जो उन्होंने प्रोडक्ट पब्लिश किए हैं उनको लोगों तक टारगेट करने के लिए सर हमें जो एडवर्टाइजिंग है उसको बूस्ट करने के लिए सर फेसबुक थोड़ा बहुत पैसे मांगता है। तो तीन या चार दिन के लिए वो आपका जो भी एडवर्टाइजिंग पूरे फेसबुक पे पूरे जिस एरिया को आप टारगेट करेंगे वहाँ घूमेगी, मतलब 4 या 5 दिन के लिए $4-5 मांगता है। इस तरह करके सर हम अब लोगों को टारगेट कर सकते हैं। उसी तरह फिर उससे सर आगे चलेंगे तो हम कंपेन चला सकते हैं पूरी पूरी अपने प्रोडक्ट के हवाले से। तो सर ये अब इस तरह हम सर फिर इसी तरह हम आगे हम यूट्यूब पे आएंगे, इसी तरह फिर हम लिंक्डइन पे जाएंगे, टिकटॉक पे जाएंगे, सर इस तरह की प्रोसीजर पूरा चलेगा। वेरी गुड प्रोसीजर है सर, बिल्कुल सही है। अब देखो इसमें मैंने जो है ना काशिर जावेद ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, रिक्वेस्ट किया मतलब उसे मैंने बताया था कि वो इसमें सबकी हेल्प कर सकता है, तो तुम लोगों को जिसको भी हेल्प चाहिए हो ना उसके अंदर वो कर लेना। देखो जब तक अपनी प्रेजेंस शो नहीं करोगे उस वक्त तक तुम बेच नहीं सकते। हमने अपनी वेबसाइट पर लगा दिया, ठीक है हो गया, हमने ईबे पर लगा दिया, हो गया। अब ईबे पे आप तो बैठे हैं पाकिस्तान में, ईबे पे लग कर के कोई ख़रीद रहा है नहीं ख़रीद रहा, वो आपकी लिस्टिंग देख रहा है नहीं देख रहा, इतनी सारी और चीज़ें लगी हुई, वो कैसे कम्पीट होंगी? तो अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मार्केट करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं, आप ये समझते हैं कि आप इस तरह समझो कि अगर आप अपने ऑफिस जाते हैं, ठीक है, तो आपको तनख्वाह मिलती है ना, आपको फ़र्ज़ किया कि एक ऐसी रफ आइडिया लेता हूँ कि 25,000 रुपये मिलते हैं,
तो 25,000 में आपको ऑफिस जाना आना होता है, तो 5,000 तो आपके खर्च हो जाएंगे ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 5,000 तो आपके खर्च होंगे तो आप नहीं अवॉइड कर सकते ना। तो यूँ ये समझ लो कि ये तुम लोग अपने अपने पेज बनाओगे, खुद अपने पास से उनको बूस्ट करोगे, और बूस्ट करने का मकसद ये होगा कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो तमाम जगहों तक पहुँच जाए, ठीक है, और लोग उसको देखें ताकि वो खरीदें, चाहे वो आप लोकल मार्केट में लगा रहे हैं चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट में लगा रहे हैं, ताकि आपके पेज पे लाइक्स आना शुरू हो जाएं। तो ये आपकी अपनी एक इन्वेस्टमेंट होगी ताकि आपकी सेल मैच्योर हो जाए। जो चीज़ जो ज़रूरी है ना वो ज़रूरी, अच्छा इसमें आपने किसी और को पैसे नहीं देने, कुछ नहीं देना, क्योंकि ये आपकी अपनी चीज़ है, ये आपकी अपनी दुकान है जो आप सजा रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, मैं तो बताता हूँ। फ़ायदा इसका ये होगा कि आज आप काम कर रहे हैं हमारे साथ, ठीक, हम आपसे ले रहे हैं 10%, ठीक है। 10% क्यों ले रहे हैं, इसलिए 10% ले रहे हैं कि हम आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करें। कल को आपने अपने फेसबुक पेज पर लगाया, लिंक आपने दे दिया, कहाँ से लिंक आपने दे दिया, यहाँ से, क्या नाम है उसका, अपना यहाँ वेबसाइट का, क्योंकि यहाँ पर बिक रही चीज़ें। साथ साथ आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ दिया हुआ है, जो आपने एक और बिजनेस कॉन्टैक्ट जो व्हाट्सएप डेवलप किया है, किसी के पास यूके का नंबर होगा, किसी लोकल होगा, जिनका यूके का होगा तो यूके वाले उसको इजीली ज़्यादा वो प्रेफर करेंगे। अच्छा होगा क्या कि जिस वक्त आपके पास वो नंबर होंगे ना, तो वो क्या होगा कि हो सकता है कि वो आपके पास आ जाए। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, ईबे पे जो आपकी पोस्ट लगेगी ना उस पर लिखा होगा कि बाय फॉर लेस इन होलसेल, आपकी अपनी विंदे की वेबसाइट का नाम होगा। ये कि आपने होलसेल में आपने कहा 10% डिस्काउंट दे रही हूँ मैं आपको, 15 पाउंड की वो थी तो आपने 13 पाउंड की उस पर वहाँ पे लगा दी, ठीक है, विंदे पे 13 पाउंड की लगी है, ईबे में 15 पाउंड की लगी हुई। अब वो ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि ईबे पे हमने 15% पैसा देना है, 10% उनका कमीशन, 5% जो है ना अपना 3-3.5% ले लेता है पेपल। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके नए अकाउंट है ना, जो यहाँ पे झूठ फ्रॉड चल रहा है वो तो जो चल रहा है पाकिस्तान में उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम जितना सोचेंगे हम उतने ज़्यादा उलझेंगे, तो हम उस पर सोच ही नहीं रहे। अच्छा वो तकरीबन 10-15% चले जाते हैं, नए पेपल अकाउंट में 21 दिन के बाद पेमेंट मिलती है आपको, वो आपका पैसा रोक के रखते हैं। 21 दिन क्यों, 14 दिन का रिटर्न टाइम होता है कि 14 डेज में आप रिटर्न कर लें, अमेजोन वगैरह में इन सब में उसमें 45 डेज के भी होते हैं, तो लेकिन उनका होता है कि अगर 14 दिन तक कस्टमर ने रिटर्न नहीं किया, प्रोडक्ट में कोई ख़राबी नहीं आई, कंप्लेन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब सब सही है, वो आपको पैसे दे देंगे। बाज़ों का तो 2-2 महीने भी रोकते हैं पैसे आपके, क्योंकि उनको अगर शक हो जाए ना, क्योंकि उनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं। मैंने जो तुम लोगों को शुरू में जब नाजिश जाफरी ने मुझे बताया था, तो मैंने उसको एक पेज भेजा था, फेसबुक पर मौजूद है, तुम लोग खुद जाके तलाश कर लो, ईबे बाय एंड सेल। वो कहते हैं मैं अकाउंट भेज दो अपना। अच्छा आपने अकाउंट भेज दिया, अब कोई समझे कि यार ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, हमने अकाउंट बनाया ईबे पे, अब हमने अपना अकाउंट भेज दिया। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, कल को जब उस पर फ्रॉड करेगा ना तो ईबे वाले आपको पकड़ेंगे। तो ये बड़ा रिस्की काम है, इसमें मैं आप जैसे सेलेक्टेड लोगों को दूंगा ये काम, और उसको हम मॉनिटर कर रहे होंगे, क्योंकि फिर हमने उसकी जिम्मेदारी लेनी है, तो हम कोई 2 नंबरी होने नहीं देंगे अपने पास से। तीसरे, हमारे जितने अकाउंट्स हैं ना, उन सब अकाउंट्स के ऊपर लाइक्स और वो मौजूद हैं, 8-10 साल पुराने अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर के आप किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगी हुई, तो आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, तो वो भी सारी चीज़ें चल रही है ना, तो हमको इन सब चीज़ों को भी देखना है कि हम जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो सही हो। उसकी देखो, जितनी ईमानदारी से काम करोगे, जितना सच बोल के काम करोगे, उतना लॉन्ग टर्म चलोगे, ठीक है। जब एक दफ़ा काम करते करते प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएंगी, फिर अपनी स्किल्स इंप्रूव करना, उसमें स्किल इंप्रूव करने के बाद तो उस प्रोडक्ट को ले लेना, ठीक। मैंने हवाई चप्पल की एग्जांपल दी, हवाई चप्पल 30 रुपये की पड़ती है, पाकिस्तान में 150 रुपये की बिकती है, 300% प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे भी 1 पाउंड की बिकती है, 200% मार्जिन है, ठीक। वही करते हो तो उसमें भी प्रॉफिट है, कौन कह रहा नहीं है, कितनी नॉर्मल सी चीज़ें। तो जिस एरिया में भी तुमने कर लिया, जैसे आफ्ताब ने आज मुझसे बात की कि मैं चाह रहा हूँ कि, बड़ी अच्छी बात की उसने, आफ्ताब शायद इस ग्रुप में है, ये है आफ्ताब मौजूद, बड़ी अच्छी बात की कि यहाँ पर लोग जो है ना मेरे पास आते हैं ना, तो उनकी जॉब देखता हूँ, किसी ने एम फिल किया हुआ है, किसी ने कुछ किया हुआ है, अभी एक लड़के के आया हुआ है, उसने वो AI में पाइथन के साथ मिलकर पता नहीं क्या क्या कुछ कोर्सेस किए हैं। तो मैंने उससे पूछा, भाई तू जॉबलेस क्यों है, अगर इतना सब कुछ किया हुआ है, कहना सर जॉब ही नहीं मिलती। अच्छा जॉब नहीं मिलती, और पढ़ना शुरू कर देते, जब और पढ़ना शुरू कर दें तो वो रूखी सूखी चीज़ होती, अगर उसके साथ स्किल हासिल कर ली होती तो भूखे तो नहीं मरते, क्योंकि देखो ये स्किल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे आफ्ताब की बात इतनी अच्छी लगी, मैंने कहा देखो ये बंदा है, इसको समझ है, इसने कहा मैं अपने भांजे को आपकी जो CNC वाली मशीन है ना उसके ऊपर काम सिखवाना चाहता हूँ, और लिटरली यकीन जानो यही फ्यूचर है,
ठीक, और उसके बाद क्या होगा कि वो हमारे लिए भी काम करेगा, हमने हमने यहाँ पर आईकिया जैसे फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगानी है, तो वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि अभी से उसने स्किल लेना शुरू कर दी। तो कहने का मतलब है तुम लोग सब अमीर बन सकते हो, तुम्हारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सिर्फ और सिर्फ बीडीएम रहे, इधर से प्रोडक्ट निकाली उधर से निकाली, तो एक पाउंड मैं दे दूंगा, कुछ पैसे हो सकता है तुम्हें वहाँ से बच जाए, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, घर अच्छा चलता रहेगा। उसके लिए मैं तुमको एक ऐसी प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि जो कि बहुत ज़रूरी है। जिग्लू नाम की कंपनी थी जिसको मुझे इसने आज फॉरवर्ड किया था, जिन्होंने ये लगाया कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है ना हमारे थ्रू बाहर भेजिए। पाकिस्तान में ऑपरेट करिए, फेल हो गई, नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट महंगी थी। एक दूसरी तरफ भाई पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हैं, जिस तरह गजाला ने आपको बताया ना कि वहाँ पे लोगों को ये भी किसी को अगर थोड़ा सा कारोबार करा के देती हैं, 200 रुपये कमाना शुरू करते हैं, उसकी आंखों से आंसू निकल लेते हैं। ये कहती हैं मुझे इतनी इज्जत मिलती है पाकिस्तान जाकर के, मैं कहती हूँ मैं पता नहीं क्यों यहाँ पर हूँ, मैं अभी चली जाऊँ, मैं गाँव में जाकर के लोगों के लिए काम करना शुरू करूँ, अपने पैसों से कर रही हैं सारा। तो ये सारी चीज़ें, पाकिस्तान में हालात इतने बुरे हैं कि आप ये सोचें कि प्रोडक्ट्स को अगर आप सोचेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा कोई पैसा कमा लें, ये नहीं कर सकेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। आपने क्या करना होगा, आपको ऐसी प्रोडक्ट चाहिए होगी जो हर घर की ज़रूरत होगी, वो मैं आपको दूंगा जब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे ना। वो कोर्स ख़त्म होने से पहले पहले आप लोग कम से कम, मुझे इतना पता है कि 20-25 यूनिट ईबे में बेच चुके होंगे। वो सारी प्रोडक्ट्स मैं आपको दे रहा हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट से, मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी चीज़ है, मेरा काम है, मैं यूएस में भेज दूंगा, यूके भेज दूंगा, हर जगह भेज दूंगा, आपने सिर्फ लगा के सीख लेना सब कुछ। उसके बाद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम प्रोडक्ट फाइनलाइज कर लेंगे, क्या चीज़ यहाँ चलती है, हरीम, जैनब, फजाला, कुदसिया, वक़ार, ओन, ये सारे लोग अमेरिका यूएस में हैं, और शमीम, वो सब लोग आपको गाइड करेंगे। फिर वो प्रोडक्ट्स जो वहाँ के लिए फाइनल हो जाएंगे ना, फिर हम उनको आपको दे देंगे लगाने के लिए, क्योंकि देखो ये सब लोग बिजी लोग हैं। अब गजाला इतनी बिजी है, वो आपके पास हर वक्त, अभी इन्होंने इतना टाइम दे दिया, बहुत अच्छी बात है, वो हर वक्त तो आपके साथ वो नहीं रहेंगे। तो क्या होगा कि हम सब क्या करेंगे कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके लेके चीज़ों को चलेंगे, फिर अपनी स्किल बना लें और उस स्किल चीज़ों को लेके काम करना शुरू कर दें। फैजान, डू यू वॉन्ट टू से एनीथिंग, तुम फूड के बारे में कुछ कह रहे थे, बताओ। जी सर, मैं फूड के बारे में ये कह रहा था कि अगर फूड से रिलेटेड कोई आइटम्स पाकिस्तान से सेल किया जाए तो उसमें हमें क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं स्टैंडर्ड्स को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना पाकिस्तान के फूड को सेल करने में, क्योंकि पाकिस्तान का टेस्ट जो है इंडो पाक ओवरऑल मगर इंडिया से भी ज़्यादा पाकिस्तान का टेस्ट बहुत अच्छा है फूड में, और उसकी डिमांड है ओवरऑल, और ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज में, तो इस बारे में मैं गाइडेंस चाहूँगा। ठीक है, अच्छा देखो, मैंने पहले भी कहा था तुम लोगों को, जो लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि हमें वेंडर्स चाहिए, और वेंडर्स जो है वो आप लोगों ने सब ने वो एक दफ़ा फिर रिपीट करना है अपने उसके ऊपर, और हम सब ने क्या करना है मिल करके अगले हफ्ते की एंड तक, यानी 31st की नाइट तक हम सब क्या करेंगे कि हम सब अपनी अपनी प्रोडक्ट्स लगा चुके होंगे दिल्ली यूके के ऊपर, ठीक है, और हम उसकी फर्स्ट से जो सेल शुरू करें, जो भी प्रोडक्ट मिल रही है, जितने रिमशा के पास जो प्रोडक्ट्स थे बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो पर्स वगैरह हैं, नाजिश जाफरी के पास हैं, तो नाजिश आप अपनी प्राइस पर लगा लें, रिमशा अपनी प्राइस पर लगा, लेकिन जिसकी प्राइस कम हो उससे लेके भी लगा लें, लेकिन रिमशा के लिए जरूरी नहीं कि अगर रिमशा ने प्रोडक्ट ले लिया तो कोई और नहीं लेगा, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो किस्मत की बात है, हो सकता है 100 आदमी ग्राहकों को 100 के 100 हर किसी से अलग अलग खरीद रहे हो, ईबे पे कोई एक चीज़ लगती है, 1 मिलियन से ज़्यादा डिस्टिंग्स है, तो जिसके पास जहाँ जिस चीज़ से सस्ती चीज़ मिल रही है वो उसको शेयर कर ले, महंगी चीज़ भी शेयर कर लो, सस्ती चीज़ भी शेयर कर लो, तुम्हारे पास से बिकेगी तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, अगर अलीना के पास से बिकेगी तो अलीना के पास पैसे आएंगे, शुएब बेच रहा हो तो शुएब के पास पैसे आएंगे, लेकिन किसी ना किसी के पास ज़रूर आएंगे। तो आप अपनी अपनी प्रोडक्ट्स एक दूसरे से शेयर कर लें, जैसे दुकानदारों में साझा होता है ना, ग्राहक आ गया उसे कहा ये चीज़ चाहिए, कहता आप 1 मिनट ठहरें, है मेरे पास गोडाउन में रखिए, झूठ बोलता है, गोडाउन वोडाउन में कुछ नहीं, भाग के जाता है दूसरी दुकान से उठा के ला के दिखा देता है, क्योंकि साझा चल रहा होता है ना आपस में, तो वही है, आप भी साझेदार हो भाई, आप एक कंपनी के BDM हो, आप बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हो, आपका काम ये है कि आप क्लाइंट, आप सबसे पहले वेंडर तलाश करो और वेंडर की प्रोडक्ट लेकर के आओ, उसको रिफाइन करो, उससे क्वालिटी भी चेक करो, फिर उससे ये चेक करो कि वो आपकी प्रोडक्ट सही आपको सप्लाई करे, वो कंपनी में ला के प्रेजेंट करो, फिर कंपनी उसको लिस्टिंग करे, आपके पास प्रॉफिट आएगा उसकी वजह से,
जो चीज़ अच्छी फाइनल हो जाएगी, जो हमने एक्सपोर्ट करनी है हम वो बाय कर लेंगे, हम उसके पैसे उसको पे कर देंगे, आपके थ्रू पेमेंट होगी, आपका भी वेंडर खुश होगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि आपने किसी को काम दिलवा दिया। ठीक, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, अगर ये चीज़ सबसे ज़्यादा बिकती है और इसकी कॉस्टिंग इतनी है, तो फिर आप निकाल लें। लेदर के लिए नाजर जाफरी मैं तुम्हें बताया था, पहले मिट्टी के बहुत महंगे होते हैं, रिमशा की जो प्राइसेस थी वो इसलिए सही थी कि इस दफ़ा जो कुर्बानी की खालें हैं ना, जो 6,000 रुपए की गाय की खाल बिकती थी ना, वो 300-300 रुपए में बिकी है, एकदम से मार्केट गिर गई है, और वो अब बहुत सस्ती मिल रही है, तो रॉ मटेरियल सस्ता हो गया पीछे से, और ये सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ है कि प्राइसेस रिवाइज हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जिन लोगों का माल पड़ा हुआ है ना, कुछ तो होते हैं वो स्टबर्न होते हैं, इतने का पड़ेगा इससे कम नहीं बिकेंगे, कुछ कहते हैं अच्छा ठीक है मेरी सेल हो रही है, मेरा खर्चा निकल रहा है, करेगा। तो आप लोगों को अगले एक दो क्लासेज, एक क्लास अभी होगी, ये वाली क्लास जो दो दिन के बाद है ना, वो मैंने इसलिए रखी है कि उस दिन मैं आप लोगों को फाइनल आपकी आईडीज दे दूंगा जो विनबे यूके की, फिर विनबे पीकी की आईडीज आपको वीकेंड पे मिल जाएंगी, और उसमें फिर आपको साथ यानी एक एक 1-to-1 ये होगा कि कोई आपके साथ होगा जो आपको लगाना सिखाएगा ताकि गलती ना करें उसमें कोई भी आप, और फिर एक दो दफ़ा लगाने के बाद आपका हाथ साफ हो जाएगा, तो फिर आपको आईडीज एलोकेट कर दी जाएंगी, जब जब आपने लगानी होगी आप वो प्रोडक्ट लगाते चले जाएंगे, इस तरह आपका हाथ भी साफ हो जाएगा प्रोडक्ट लगाने के अंदर, प्रोडक्ट की समझ में आ जाएगी, मार्केट की समझ में आ जाएगी, सेल शुरू हो जाएगी। मोस्ट प्रॉबली बिफोर द एंड ऑफ दिस कोर्स, लाइक जो कि जनवरी के एंड में एंड होना है, हम इसमें रोज़ जो अपनी क्लासेज में डिस्कस किया करेंगे कि हमें क्या एक्सपीरियंसेस आए, तो आप लोगों को जितने पैसे लगाए उससे ज़्यादा पैसे आप लोग कमा चुके होंगे इंशाल्लाह, और उससे फ़ायदा ये होगा कि फिर आप लोग स्मूथ हो जाएंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगी, फिर आप कंटिन्यूसली चलते चलेंगे। जैसे काशिफ जावेद ने कहा, आप लोगों को डेफिनेटली ये तो काम करना पड़ेगा कि हम न्यू ईयर नाइट के ऊपर ये रख लेते हैं कि जो जो आपने प्रोडक्ट्स लगाई हैं ना, उनके ऊपर एक बूस्टर मार दें अपना, 1,000 रुपये का बूस्टर मार दो, ज़्यादा नहीं करो, 5-6 हज़ार लोगों तक, 10,000 लोगों तक आपके पेज तक पहुँचे, और उसका फिर रिजल्ट देखा जाएगा कि क्या रिजल्ट आता है। तो वन नाइट उसको आपने ये काम करना है, क्योंकि वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपकी अपने पेज की बूस्ट होगी। कल को कोई शख्स आपका नंबर देख करके, प्रोडक्ट देख के कॉल करता है, वो वेबसाइट पे नहीं आता, आपको कॉल करता है कि ये मुझे चाहिए, मुझे 10 पीस चाहिए, अब आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, जो प्राइस लगी है उसी प्राइस पे बेचिए, मुझे कोई वो नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नहीं, अगर आपने आ गए तो आपको जो कुछ बेचना है मेरी ही वेबसाइट से बेचना है या मेरी ही आईडी से बेचना है, नहीं 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 नहीं, नहीं। हम आपको एलिवेट कर रहे हैं, हम आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं कि कल को आप माशरे के अंदर एक ज़िम्मेदार बिजनेसमैन बन सके, तो हम आपको हर वो चीज़ सिखा रहे हैं। तो आपका फेसबुक का पेज का बूस्टर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, जो शख्स वहाँ से देखेगा वो आपकी वेबसाइट पर आएगा, आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, आपकी चीज़ बिकेगी, ठीक, हो सकता है आप डायरेक्टली उसको भेज दें, और कल को हो सकता है आपकी मार्केट प्लेस इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आपके 5,000 लाइक्स आ जाएँ, 10,000 लाइक हो जाएँ, जो लाइक्स हैं वो पेजेस पे आपके देख रहे हैं, आप नई नई प्रोडक्ट्स लगा रहे हैं, तो आपके डायरेक्ट भी बिक रही है और आपकी यहाँ से भी बिक रही है, तो फ़ायदा तो सबका होगा ना ओवरऑल। तो हम इसको बिल्कुल इसी तरह से लेके चलेंगे कि आपको हमने प्रिपेयर कर देना है इस चीज़ के लिए कि आप कल अपना, अगर ऑनलाइन एक आपका ई कॉमर्स साइट है तो एक आपकी वेब पेज हो, वेबसाइट हो जिस पर आपके वेब पेजेस हों, अलग अलग वेब पेजेस हों, सिंपल सी वेबसाइट होगी, सिंपल से पेजेस होंगे, उसको मैं आपको होस्ट करा दूँगा, वो मेरे पास बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है तो वो मैं इस पर होस्ट करा दूंगा। एक आपका फेसबुक पेज हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, लिंक्डइन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे काशिफ जावेद ने कहा तुम लोगों को गाइड कर देगा सारा, लिंक्डइन लगा लें उसमें, और वो जो है इस तरह से क्या होगा कि ये पूरी टीम जो है ना एक प्रोफेशनली उसको पता होगा कि हमने ऑनलाइन सेल किस तरह से करनी है, जब सेल मैच्योर हो जाए, चीज़ बिकने लगे, समझ में आ जाएगी यार ये चीज़ अच्छी बिक रही है, तो फिर उसके बाद आप चले। अच्छा, उसका सवाल रह गया फैजान का, फैजान का सवाल ये था कि फूड आइटम, फूड आइटम्स में जो ऐसे फूड आइटम्स हैं ना जैसे आटा दाल चावल वगैरह, इनकी पैकिंग अगर अच्छी हो तो आप बिल्कुल करें, बाकी चीज़ों को आप ऑनलाइन यहाँ करना शुरू करें, फिर हम उसका देखेंगे कि किस तरह बनता है हिसाब किताब, फिर हम उसको जो है ना आगे ले आएंगे। जैसे मिठाइयाँ वगैरह वाकई यहाँ पर चाहिए होती हैं, मिलती नहीं मिठाइयाँ हमें, और अच्छी मिठाई जैसे कि वो बॉम्बे बेकरी का वो है क्या नाम है केक, अगर प्रॉपरली पैक हो, ख़राब नहीं हो रहा तो फिर तो बहुत अच्छी चीज़ है। हम चूड़ा जो वो खाते हैं ना क्या नाम अपना जो उसमें, वो चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, तली हुई प्याज वो बिकती है, 2.5 पाउंड की जो ना इतनी सी थैली मिलती है, जो कि पाकिस्तान में 200 रुपये के किलो के हिसाब से प्याज आती है, 1 किलो जो 200 रुपये में तैयार होता है, 2.5 पाउंड 450 का। तो देखो हर चीज़ है भाई, अपनी फील्ड सेलेक्ट कर लो। मसाला जात,
जो आपके मसाले होते हैं ना, गरम मसाले और जो हमारे यहाँ के बिरयानी मसाला, ये मसाला, ये सब बिकते हैं, तो ये सब करो, इसमें मुझे कोई इतराज नहीं, डिस्कस करते जाओ, करते चले जाओ। अच्छा अब पूरे एक्सक्यूज मी सर, जी सर, मुझे ये सवाल पूछना था कि मेरे पास तो अभी भी ड्रेसेस है, मैं खुद एक वेंडर बनना चाहती हूँ, तो वो आपको सैंपल्स मैं कब भेजूँ, किसको, मतलब कौन मुझे आइडेंटिफाई करेगा मेरी ड्रेसेस? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने बेटा तुमने। अभी तुम लोगों ने किसी को कुछ नहीं भेजना, मैंने पहले बताया था, किसी को कुछ नहीं भेजना, सिर्फ तस्वीरें वहाँ पे भेजोगी, उसकी एक आईडी हम बनाएंगे, ये दो दिन जो है ना फेसबुक ग्रुप, दो दिन बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, ये दो दिन हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, मसरूफ़ होगा, जिसके अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएंगी, वेडनेसडे की शाम से आपको आईडीज मिल जाएंगी, आपने प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देनी, प्रोडक्ट आपकी बिकती है लोकल मार्केट के अंदर, तो जैसे ही बिकती है आपको हम वहीं पे जो है ना आपसे कोरियर ले लेगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में पहले मिलेंगे, फिर आपका जो है ना माल डिलीवर होगा, ये बात बिल्कुल कंफर्म है, हम कोई किसी से कुछ नहीं ले रहे, जिन चीज़ों को हम फाइनलाइज करेंगे एक्सपोर्ट के लिए, जहाँ हमारा इशू खड़ा होगा कि रिटर्न ना हो, ये ना हो, कस्टमर का चक्कर ना हो, उनकी हम जो है ना फाइनल करेंगे, उनकी हम क्वान्टिटी बनवाएंगे, उनसे हम साइन एग्रीमेंट साइन करेंगे, वो दो सैंपल देंगे, वो सैंपल हमारे पास उनकी अमानत होंगे, जब भी कोई प्रोडक्ट में वो आएगा तो हम उसको मैच कर सकेंगे, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, इंटरनेशनली चलता है, उसके अलावा कोई किसी चीज़ के, तुम्हारी प्रोडक्ट्स तुम अपने पास सिर्फ अच्छी अच्छी पिक्चर्स और अच्छी तरह पिक्चर, मैं तुम लोगों को बता दूँ, शाहरुख ने अलीना से बात कर ली है, हमारे पास बहुत बड़ा ऑफिस है, कभी तुम लोग जाके ऑफिस विजिट करो, वी हैव गॉट, हमें 2000 गज के ऊपर पूरी जगह बनी हुई है, हमारी पूरा फ्लोर है हमारा और बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन है, उसमें हम स्टूडियो बना के दे रहे हैं फॉर प्रोडक्ट की पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए, तो हम ये भी अरेंज कर रहे हैं कि कुछ मॉडल्स भी अरेंज करेंगे, जैसे कपड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से उनको पहना करके वो करना है, या उनमें जो होती है जिस तरह की फ़ोटोशूट्स हो रही होती हैं, अब आप लोग तो नहीं कर सकते, आप तो किसी की पिक्चर उठा के दे रहे हो, लेकिन कल को आप अपना काम करना शुरू करते हैं तो आपकी जो फ़ोटोशूट्स हैं ना वो सारी वहाँ पर मॉडल्स के साथ हो जाएंगी, मेल मॉडल भी होंगी, फीमेल भी होंगी, जो यूनिवर्सिटी है ना पूरी हर चीज़ है, तो हमारा उसमें मीडिया का डिपार्टमेंट एक अलग हम बना रहे थे, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, बहुत बड़ा हॉल है, लाइटिंग सिस्टम है, हर चीज़ है, तो वो मैंने इसको ऑथोराइज़ कर दिया है शाहरुख को कि वो उसको ऑपरेट करे और वो वहाँ से हर प्रोडक्ट की पिक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर दिया जाए, तो बेटा तुम्हारा वो क्लियर हो गया। उसामा ठाकुर सर, मैंने ये पूछना था ये लिस्टिंग वगैरह के हवाले से, और आप जो बोल रहे हैं कि वेब पेज बनाने हैं हमें, तो सर उसके अंदर जिनको नहीं मालूम वेब पेज वगैरह डिजाइन नहीं कर सकते, उनको किस तरह से ये इसमें गाइडेंस मिलेगी? देखो अब मैं तुम्हें बताया था, देखो भाई बात ये है कि मुझे तुम लोगों को सेल्स वाला, सेल्स के अच्छी गाइडलाइन देनी है, लेकिन मुझे तुम्हें कोई आईटी का प्रोफेशनल तो बनाना नहीं है, तो तुम्हें एक टेम्पलेट मिलेगी, उस टेम्पलेट में सिर्फ आपके पास ये होगा कि इस जगह पे ये पिक्चर लगा दें, इस जगह पे ये टेक्स्ट लिख लें, आप अपना वो बनाना शुरू कर देंगे, आप एक बटन क्लिक करेंगे, वो आपका वेब पेज तैयार हो जाएगा, ये हम नेक्स्ट जो मीटिंग होगी ना उसके अंदर, आज मुझे करना था उसको डिस्कस, लेकिन आज हमने क्योंकि अपने फॉरेन सारे जो लोग थे उनको बुलाया हुआ था ताकि सब आप लोग इंट्रोड्यूस हो जाएं, तो नेक्स्ट उसके अंदर होगा, तो हम 1 जनवरी से पहले आप सब लोगों का एक एक पेज ऑन हो जाएगा, एक एक वेब पेज जो आपका अपना वेब पेज होगा, जो आप किसी को लिंक दे सकेंगे ये मेरा वेब पेज है, वो ऑन हो जाएगा और वहाँ पर जो है ना आप अपने आप को प्रोड्यूस कर रहे होंगे एज अ बिजनेस के, आप अपने बिजनेस एंटिटी के तौर पे होंगे, आपका फेसबुक पेज होगा जिसमें आपको काशिफ जावेद हेल्प कर देंगे, फर्स्ट की नाइट को आप लोगों ने यही करना है कि अपनी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसे लगा करके ना उस दिन से आप उसको बूस्ट शुरू कर दें, ठीक है, जब उस दिन से आप उसको बूस्ट कर देंगे ना तो फिर आपका समझिए एक तरह से कारोबार शुरू हो गया, अब आप सब के सब एक ई कॉमर्स वेबसाइट के ओनर हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, हम आपके साथ एज अ बिजनेस पार्टनर काम कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपकी प्रोडक्ट्स को बाहर लेकर के आ रहे हैं, आप वेंडर्स लेकर के आ रहे हैं, हम उनसे वेंडर्स से चीज़ें बाय कर रहे हैं और हम उनको बाहर लेकर के आ रहे हैं, ठीक, किसी की कोई इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, हमारी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, आपने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने जो सप्लायर्स हैं उनसे कंसेंट लेना है, ये चीज़ हमने सप्लाई करनी है, तो आपको उस प्राइस पे जो उसने कोट किए वो मिले, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप की चीज़ बिकने लगोगे इतने की नहीं इतने की, तो वो आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना है, इज इट ऑल क्लियर? मुसवी अपना सखारवी, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम, थैंक यू, वेलकम वेलकम। अच्छा सर,
मेरे कुछ क्वेश्चंस भी थे, कुछ सजेशंस भी थी। दो तीन दिन से मैं थोड़ा वर्किंग कर रहा था, मैं कुछ फैक्ट्रीज भी गया था, राइस मिल और फ्लोर मिल फूड के हवाले से। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसमें सर इशू ये आ रहा है कि जो एग्जिस्ट अवेलेबल चीजें हैं हमारे पास इस वक्त, जैसे अगर हम राइस अभी परचेज कर रहे हैं तो जिस क्वालिटी और जिस मटेरियल का भी मिल रहा है, तो कुछ टाइम के बाद वो हमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। अब जो बड़े बड़े ताजर बरादरी हैं, वो बल्क में उसी फसल सेम कैटेगरी की जो गंदम हो या चावल हो, वो बल्क क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं, फिर वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर हम करेंगे तो हम कुछ कम क्वांटिटी कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, या एक अपना स्टोर बना के एक ही क्वालिटी को प्रोड्यूस करना या प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो उस सिलसिले में हमें सर क्या करना चाहिए? एक सवाल सर मेरा ये है। और सर दूसरा सवाल ये है कि जैसे मैंने अभी हैंडीक्राफ्ट्स के हवाले से कुछ पिक्चर्स शेयर किए, तो मैं ये समझ लें कि सर मैं बिल्कुल अपने गांव में घोड़की की तरफ, आप चक्कर से हैं तो आपको एरिया का सही पता है, तो खैरपुर की तरफ भी गया, घोड़की की तरफ भी गया और बनो अकिल की तरफ भी गया, और उन औरतों से भी मिला जो हैंडीक्राफ्ट्स का काम करती हैं। ठीक है। फिजिकली वेरी गुड। अच्छा, उनके काम में और जो मार्केट में जो बिक रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ओके। जो शॉप्स पे मोस्टली जो बाहर से लोग आ रहे होते हैं वो तो अपने शॉप से ही परचेस कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। या जो उनके साथ जो गाइड आ रहे होते हैं वो शॉप से ही परचेस कर लेते हैं, उनके लिए वो भी एक अच्छी चीज है, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें पता है कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। गुड। अब बाकी टीम मेंबर्स को अगर मैं एक चीज दिखाऊं तो उनको वो चीज अच्छी लगेगी, क्योंकि वो रेगुलर उस चीज को देखते ही नहीं है उनकी, क्योंकि ये हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं और उनमें काफी ज्यादा वैरायटीज है। अब सिंधी टोपी जो है वो पॉपुलर आइटम है, और उसमें आपकी एक 100 रुपए की भी आती है और 4000 रुपए की भी आती है। बिल्कुल सही है, सही है। तो उसको सेग्रीगेट कैसे करें और कैसे फाइंड आउट करें कि हमें कौन सी चीज एक्सपोर्ट करनी चाहिए और क्या चीज बेहतर रहेगी, क्योंकि नॉर्मली ओकेशनली लोग ये पहनते हैं, रेगुलर तो पहनते नहीं है। एक इवेंट आया जैसे अभी रिसेंटली एकता वाला दिन था, हाँ। तो उसमें एक दिन के लोगों ने पिया, तो मोस्टली ऐसे भी डिजाइनर ने ऐसे सूट्स भी बनाए हैं जो वन डे के लिए हैं, मतलब डिस्पोजेबल है। ठीक है। तो ये इस बारे में भी थोड़ा सजेस्ट करें। और सर दूसरा ये कि काशिफ साहब से के हवाले से भी मेरे पास कुछ सजेशन है, फिर वो मैं आपको वॉइस नोट में भेज दूंगा कि कुछ टीम को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए, जो भी मार्केटिंग के हवाले से तो थोड़ा बहुत मुझे पता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें ये कि तुम्हारा पहला सवाल था तुम्हारा राइस की क्वालिटी का। ठीक है। देखो, उसमें बात ये है कि जिस अभी तो आप राइस क्वालिटी में फ़ौरन तो एक्सपोर्ट पे जा नहीं रहे, लोकल मार्केट में जा रहे हैं। लोकल मार्केट के अंदर जो प्राइस चल रही है करंट, एक हफ्ते के लिए आपने एक चीज़ को ब्लॉक करना, उससे ज़्यादा के लिए ब्लॉक नहीं करना। मैं तुम लोगों को जो कुछ कमोडिटीज़ दूंगा जो कि जिससे कि तुम लोगों के रेगुलर किचन मनी चलेगा, वो अलग है बिल्कुल, उसकी इन्वेस्टमेंट मैं अलग कर रहा हूँ सारी, और जो ये एक्सपोर्ट की चीज़ें उनको अलग कर रहा हूँ क्योंकि उसकी अलग कैटेगरीज हैं। और जैसे ये तुमने हैंडीक्राफ्ट का बताया, जो तुम ख़वातीन से घर पे लेकर के आओगे, घर से लेकर के आओगे सेल करने के लिए, उनको हम प्रेफरेंस देंगे, उनको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। हम चाहेंगे कि उन लोगों के घरों में ज़्यादा पैसे जाएं जो अपने घर से बैठ के बना रहे हैं। कारोबारी आदमी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेगा। अगर तुम ये काम करोगे तो तुम नेकी का काम कर रहे हो, क्योंकि तुम उन लोगों के घरों में पैसे पहुँचा रहे हो, तो ये इससे ज़्यादा बड़ी और कोई बात नहीं। ठीक है। हमारा मकसद भी यही है और हमारी कोशिश भी यही है। अच्छा, अब आ जाता है, एक सिंधी टोपी 100 रुपए की है और एक 4000 की है, तो आप उसी हिसाब से लगाइए। 4000 वाली को 4000 का लगाइए, 100, क्योंकि दुकान पे जाते हो, एक शर्ट जो है ना 150 रुपए की होती है, दूसरी 5000 रुपए की होती है। तो ये थोड़ी होता है कि 5000 वाली जो है ना बिकेगी नहीं क्योंकि 150 रुपए वाली, हर शख्स की अपनी होती है। बाज़ लोगों के जहन में ये कीड़ा होता है कि चीज़ महंगी है तो अच्छी होगी, यानी अगर एक डॉक्टर सस्ती दवाई लिख दे ना तो मरीज सही नहीं होता साला उसमें, क्योंकि उसके जहन में होता है यार इतनी सस्ती दवाई दी से क्या असर होगा। वही दवाई अगर वो कहे कि नहीं ये 5000-10000 की है तो कहेगा हाँ हाँ ये 10000 की दवाई दी ना सही, अब मैं बिल्कुल सही हो जाऊंगा, अभी 10000 की दवाई खाइए, उसे पता ही नहीं है। तो आप जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उसके ऊपर ही चलें। अगर एक टोपी आपको 100 रुपए की मिल रही है तो आप उसको 150-200 की लगाइए, एक 4000 की मिल रही है 4200 की लगाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के ऊपर प्रोडक्ट लगा रहे हैं,
बिक जाए तो ला के बेच दीजिए, नहीं बिकती कोई बात नहीं। ये जो ग्रुप के लोग हैं ना, इनको अनलिमिटेड प्रोडक्ट लगाने की इजाज़त है, बाकी किसी को नहीं है। बाकी को 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगा सकता कोई भी, ठीक है। और वही चीज़ ये है कि जब हमने वो प्रोडक्ट्स करने, देखो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह ना, ये अर्जेंसी के आइटम नहीं होते। ये नहीं होता कि आज हैंडीक्राफ्ट अभी ऑर्डर किया तो एक घंटे के बाद चाहिए, क्योंकि तो मैं खाना नहीं बनाने जा रहा कि जो उसमें मिर्चें कम पड़ गई हैं तो फिर फ़ौरन ले आओ। ये हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह एक उसके लिए होते हैं, बंदा अपने डिसाइड करता है, पसंद आ गया, मूड बन गया, ख़रीद लिया। अब वो उसमें लिखा हुआ है कि जी 2 हफ्ते के बाद मिलेगा आपको, तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि वो ये नहीं कहते कि जी अर्जेंसी में चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें। तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो अर्जेंसी में चाहिए होती हैं, कुछ होती तो हम उसमें, तुम सब लोगों को मैं पहले फिर बता रहा हूँ, हर शख्स की बात सुनो, ठीक। हर शख्स जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो ले करके आओ, ज़रूरी नहीं है कि वो बेचो भी, लगाओ ज़रूर, बिक गई, नहीं बिकी नहीं बिकी, ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, समझ में आ गई ना पूरी की पूरी बात, ये हो गई। अच्छा, अब किसी और का कोई सवाल? अकील मोहम्मद, आपके वो अकील? यस सर, मेरे। अच्छा अहमद रजा, हाँ चलो अहमद जल्दी जल्दी। अच्छा, कुछ वेंडर्स के बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आप खरीदोगे तो उतने ही हम रेट अपना कम करेंगे, तो उनके साथ क्या डीलिंग करें फिर? भाई आप ऐसा करें, जो आपसे कहते हैं कि जो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हम ज़्यादा वो करेंगे, आप उनसे कहें कि ये अपने बेस प्राइस बता दें, हम तो ऑनलाइन बेच रहे हैं, सब खुल के बता दो, बस हम तो ऑनलाइन बेच रहे हैं, ज़्यादा या कम की बात ही नहीं, आप मुझे बता दें बेस प्राइस क्या दे सकते हैं, जो बेस प्राइस आप दें आप लगा दें उसके अंदर, ठीक। प्रोडक्ट के ऊपर डिमांड आना शुरू होगी, देख लेंगे फिर हम, जब हमें ये हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ बिक रही है तो फिर हम ऑर्डर दे के ज़्यादा बनवा लेंगे। फिर अभी मैंने तुम लोगों को फिर बताया, देखो 2 महीने का कोर्स है, अभी तो पूरा कोर्स बाकी है। उस कोर्स में क्या होगा, उस कोर्स के अंदर आपको कॉस्टिंग सिखाई जाएगी, एक कॉस्टिंग किस तरह करते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है हवाई चप्पल की, हवाई चप्पल 30 रुपए की कैसे पड़ती है, 10 रुपए का पट्टा मिलता है जोड़ी का, ठीक। और जो उसके नीचे की जो रबर होती है वो कितने की मिलती है, 20 रुपए की मिलती है। रोल मिलता है 200 रुपए का पूरा, 1 मीटर बाय 1 मीटर का, 20 चप्पलें निकलती हैं तो 10 रुपए के, 20 चप्पलें निकलती हैं 10 से 12 रुपए की पड़ती है। सिर्फ आपको एक डाई कटर चाहिए होता है जिससे आप फ्रेम काटते हैं। हवाई चप्पल तैयार 30 रुपए में, हवाई चप्पल तैयार 150 रुपए की बिकती है। तो मैंने तुमको कॉस्टिंग अभी सिखानी है, ताकि जब तुम प्रोडक्ट लेने जाओ तो जो तुम्हें प्रोडक्ट दे रहा है उसके पहले तुम्हें ये बात पता हो कि ये पड़ती कितने की है, भाई तुम मुझसे कितना प्रॉफिट ले रहे हैं। अगर मैं तुमसे क्वान्टिटी में ले रहा हूँ तो तुम अपना मेहनताना और अपना जायज़ प्रॉफिट लो, मेरा गला मत काटो, क्योंकि मैंने भी आगे बेचना है। तो हर शख्स अपना जायज़ प्रॉफिट लेगा ना तो सोसाइटी चलेगी। अगर आपने किसी को बेवकूफ़ बना के एक दफ़ा नहीं बेचना ना, तो फिर तो आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सिखाई जाएगी। इसके बाद जब ये लिस्टिंग लगना शुरू हो जाएगी ना, मुझे सुकून हो जाएगा कि अब तुम लोगों की लिस्टिंग लगना शुरू हो गई, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ पैसे अर्न करना शुरू हो गया। अब तुम्हारा दिमाग दो तरफ बढ़ जाएगा, एक तरफ कि आज लिस्टिंग का क्या हुआ, कितने लोगों ने विजिट किया, मेरे फेसबुक पेज पर कितने लाइक्स आए, अब तक मैंने 1,000 रुपये खर्च किए थे कितने लाइक्स आए, और फिर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर आपको उसी दौरान में आपकी जो क्लास हो रही होगी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की लिस्ट की कॉस्टिंग का तरीका होगा। देखो जैसे इनेबलर वाले ने बताया ना, उसने एक अपनी वेबसाइट बनाई, अब कहता है कि जी यहाँ से जाओ, जिसने कोर्स किया ये वेबसाइट है, तुम जाओ यूट्यूब पे जाके देख लो, उसने रैपिड इनेबलर के नाम से बना दिए, कोई साहब है वो खड़े होकर कह रहे हैं ये वेबसाइट है आप इनसे खरीद लें, और यही आपको जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो है ना उस पर यहाँ पे अमेजोन के ऊपर भिजवा भी देंगे, लगा भी देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे तो भाई वो कंपनी वाला खुद क्यों नहीं कर रहा, तुम उसको बता रहे हो कि तुम जाके खरीदो, यानी तुमने उसको बेवकूफ़ बनाया कि तुमने ये कोर्स कर लिया है, अब तुमने चीज़ें सीख ली, अब तुम इससे माल खरीदोगे और इसका माल जो है ना इसको दे दोगे, यानी आपने दूसरे की जेब से पैसे निकलवाने। तो वो चीज़ यहाँ नहीं है, यहाँ पर ये है कि मैं आपको कॉस्टिंग सिखाऊंगा ताकि वेंडर से आप बात करते हुए उसको समझें। फिर जब कॉस्टिंग सीख जाओगे ना, फिर तुम्हारा खुद दिल चाहेगा यार इतनी सस्ती पड़ रही है, मैं खुद क्यों नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आ करके ना आपको समझ में आएगी चीज़ कि आहिस्ता 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 करके पहले जगह बनाओ बेचने की, जब वो बिकने लगे तो फिर हाथ डालो प्रोडक्शन में, फिर अपने प्रॉफिट बढ़ाओ, फिर आप सब लोगों के पास जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि तुम लोग जो है ना 4 दिन के बाद जो डिफेंस में घर खरीद लोगे, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब झूठ में मत लिए। तो अब किसी और का कोई सवाल है? नाज़िर जाफरी, एनी क्वेश्चन? सर एक और बात जी, टेक्नोलॉजी वाले जो आइटम्स हैं इनका एक तो ख़राब होने का ख़तरा होता है अगर ये एक्सपोर्ट हो तो,
और क्योंकि उसमें पे कंप्लेंट्स हो सकती हैं, टेक्नोलॉजी कभी भी ख़राब हो सकती है, उस पर कोई वो ट्रस्ट नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह पाकिस्तान में क्योंकि वो लोकल मार्केट में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, ज़्यादातर चाइना की टेक्नोलॉजी यूज़ में होती है, तो हम फिर देखें या नहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टॉक। हाँ, अब बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आइटम्स आप बिल्कुल देखें लोकल मार्केट के लिए, अपनी अपनी विनबे पीके के लिए, विनबे यूके के लिए, क्योंकि उसका मेंबर आपको होना ज़रूरी है, उस पर प्रोडक्ट्स आपके लगने ज़रूरी है, क्योंकि आपको पेपल की पेमेंट उसी के थ्रू आएगी, क्योंकि वो कंपनियाँ दोनों जगह पर रजिस्टर्ड है, तो जो पैसे आपके पेपल के वहाँ पर जमा हो रहे होंगे वो आपको यहाँ पर उस कंपनी के थ्रू मिलेंगे, उसी कंपनी के अकाउंट में आपके पैसे आएंगे सारे, ठीक है, वो ज़रूरी। तो जो मार्केट में मैंने पहले बताया था कि अगर आप लोग समझेंगे कि मुझसे आके कहेंगे ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, ये आप वहाँ बेचना चाह रहे हैं, तो मैं कहूँगा भाई चाइना ख़ुद वहाँ बेच सकता है, तो आप उस चीज़ में जाइए जो आपकी लोकल बन रही है। तो हमारे पास फैज़ान के साथ मिलकर के हम बनाने जा रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को हम सेल करेंगे और वो सेल होंगी यूके और यूएसए हर जगह के ऊपर, तो वो हमारी अपनी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। तो इसी तरह से फर्नीचर की हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, हमारे पास हमने ऑलरेडी तैयार कर ली है फर्नीचर्स, हम अपने लोकल बनवा रहे हैं। तुम लोगों को एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एक चेयर नॉर्मली हमारे पास अलीना ने वो की जब क्लास ले रहे थे बना रहे थे, तो हमें तो 200 चेयर्स चाहिए थी, हमारी इतनी सारी क्लासेज हैं, हर क्लास में 20 चेयर्स हैं, 10 क्लास में तो 200 हो गई, तो पता चला कि कई लाख रुपये की तो चेयर्स आ रही हैं खाली। तो फिर मैंने उनको गाइड किया, तो वो चेयर जो 2500 रुपये की पड़ रही थी वो हमें 550 रुपये की पड़ी, हमने अपने यहाँ शुरू करा दी, हमारे पास लोग थे काम करने वाले, वो सब मेरा मुँह देख रहे थे। मैंने कहा देखो यही चीज़ तुमको सिखानी है, कॉस्टिंग किस तरह से की जाती है, समझना इस चीज़ को है। अगर मुझे 2 चेयर खरीदनी होती मैं कभी भी नहीं कहता अगर जाओ जाके ले आओ, ठीक, मगर मुझे 200 चेयर्स चाहिए थी, तो फिर यहाँ पे क्वांटिटी आ गई थी। तो जब आप अभी बेचने जा रहे हैं, आप एक या दो पीस देखने जा रहे हैं, आप ना देखें प्राइसेस, ठीक है, जो वो दे रहे हैं जो वहाँ पे कह रहा है उससे ज़्यादा जिद्दाज करने की भी ज़रूरत नहीं, लगा दें, ज़्यादा नहीं बिकेगा ना। इस तरह आपको ये पता चल जाएगा मार्केट में ट्रेंडिंग क्या चल रही है, जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड को लेकर के फिर आप प्रोडक्ट फाइनल करके अपनी कॉस्टिंग पे बनाएंगे, तो फिर आपको प्रॉफिट आएगा, फिर कंट्रोल भी आपका होगा। उस दौरान में आपका फेसबुक पेज भी एक्टिव हो चुका होगा, फेसबुक पेज पे लाइक्स भी बहुत सारे आ चुके होंगे, लोग देख भी रहे होंगे, आपने बहुत सारे ग्रुप्स भी ज्वाइन किए होंगे जहाँ पर प्रोडक्ट चल रही होगी, तो आप डिजिटल मार्केट ऑनलाइन सेल्स मार्केट के अंदर परफेक्ट हो चुके होंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ आपके पास क्या चीज़ होगी कि आपकी अपनी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी होगी, तो विन-विन सिचुएशन आपकी, बेचने की जगह आपकी बन गई। फिर आप भले से हमारी वेबसाइट पर लगाएं ना लगाएं कोई परवाह नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि सारी ज़िंदगी आप हमारे साथ काम करें, तो हम उसको अपनी प्रेफरेंस में रखेंगे। मगर अभी इस वक्त जो है ना, आपने सबसे पहले ये समझना है कि जो भी चीज़ मिल रही है, जो चीज़ मिल रही है वो लगाएं, घर का ख़राब आइटम लगाएं, घर की वो चीज़ें जो नहीं चल सकती हमारी ऑक्शन साइट है, ये मैं वेंसडे वाली मार्केट में आपको बताऊँगा सारा, वो लगाएं, बेचना शुरू करें, बेचना शुरू हो जाएगा, ट्रेंड समझ में आएगा, फिर प्रोडक्ट फाइनल कीजिएगा और फिर अपनी जॉब के साथ साथ उसकी स्किल लीजिएगा, फिर उसकी प्रोडक्शन शुरू कीजिए, ठीक है। तो मैंने एक पूरा सिलसिला बता दिया, ठीक। आई थिंक वी शुड फिनिश आवर क्लास, क्योंकि तुम लोगों के पास सबके पास ग्रुप में भी चीज़ें मौजूद हैं, हम उसमें भी देख लेंगे कि पूरे 1.5-2 घंटे होने वाले, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो उसकी वजह से हम ये करते हैं कि मैं अपनी इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ, जिसके जो भी क्वेश्चन उसमें, मैं तुम सब लोगों को चाहूँगा कि तुम लोग रिएक्शंस में, अगर तुमको मैं गजाला का काम पसंद आया हो तो या तो ताली का निशान बजा दो, या थंबनेल बजा दो, या माइक्स ऑन करके सब लोग सर मैडम का शुक्रिया अदा करो, ये शी इज डूइंग अ लॉट फॉर पाकिस्तानी मार्केट, ठीक है। आई रियली अप्रिशिएट गजाला, थैंक यू वेरी अप्रिशिएट, यू वेलकम थैंक यू एवरीवन हु इज सपोर्टिंग अस इन दिस कॉज, थैंक यू वेरी मच, ठीक है भाई, अब किसी ने कुछ कहना है तो कह दो, मैम फॉर सपोर्टिंग द पाकिस्तानी पीपल्स, थैंक यू अली भाई, थैंक यू रमशा, रफीक तुम कुछ ना बोलनी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग द पाकिस्तानी पीपल्स, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम गजाला, ठीक है, बस सही है, ओके, वी आर एंडिंग विद वेरी गुड होप्स for Pakistan and for our own people and for the progress in of our own people. आज मैंने अपने वादे के हिसाब से तुम लोगों को बाहर जो लोगों की आईडी के साथ में काम करना उन सब लोगों से मिलवा दिया, और हमने अपनी नेक्स्ट वेंसडे की क्लास के अंदर फाइनल प्रोडक्ट लगाना शुरू कर देना है, उस दिन मैंने वेब पेज का पूरा बताना है आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों का काम शुरू, फर्स्ट की नाइट को आप सब लोगों ने अपने अपने पेज को बूस्ट करना है, क्योंकि आपकी
जो न्यू ईयर शुरू होना नया साल नई रोशनी के साथ शुरू हो, इंग्लिश कैलेंडर है ठीक है, साल फिर भी नया हो, वो नए उसके साथ शुरू हो, और आप सब ने अपने पेजेस को बूस्ट कर लें, अपनी प्रोडक्ट्स आपकी लग चुकी होंगी और वो सब आपके अपने अपने बूस्टर में चले जाएंगे। 1,000 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता, पुट योर मनी इन टू इट एंड सी द डिफरेंस एंड बी सक्सेसफुल, दैट इज़ आवर एम ठीक है। और काशिफ जावेद तुम लोग गाइड करता रहेगा। अब वेंसडे को हमने फाइनली आपको आईडीज दे देनी है लगाने के लिए विनबे यूके के ऊपर, विनबे पीके की प्रोडक्ट्स भी मैं आपको दे दूंगा उसी दौरान में, जो के जो यूए की जो ईवे पे लगानी है, और मैं आपको प्रोडक्ट लिस्ट दे दूंगा जो लगानी है। आप सब ने जो है ना वो प्रोडक्ट्स लगानी है, यूएस में भी लगानी है, यूके में भी लगानी है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मैं कर चुका हूँ, वो कई लाख की इन्वेस्टमेंट है डॉलर्स में, पाउंड्स में, लाइक नॉट इन पाक रुपीज, तो वो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मौजूद है हम उसको फुलफिल कर सकते हैं, तो वो फिर आपके लिए हमने दे दी। और फिर उसी वक्त पर मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान की मार्केट के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, और वो सब आप लोगों ने बेचनी है, लेकिन आपको वो पूरा का पूरा पैटर्न फॉलो करना है। इसमें आपने लर्निंग करनी है कि आपने एक अच्छा प्रोफेशनल ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस चलाने की टेक्निक सीखनी है। कोई जाली काम नहीं करना कि एड फ्लाई के ऊपर चले गए, वीडियो देख लो तो इतने पैसे मिलेंगे, 2 घंटे काम करो। अब मैंने एक वीडियो देखी, उसने कहा जी 2 घंटे काम करो इतने $1,000 बनते हैं, $60,000 बनते हैं महीने के ऊपर, कह रहा हूँ पंखा नहीं चलाया हुआ इसलिए कि आवाज़ गई थी। अरे भाई अगर तू इतने ही काम कर रहा था तो खुद क्यों नहीं कर रहा, मेरे पास ये काम हो मैं 10 एम्प्लॉय रखूँगा, क्योंकि मैं तो $60,000 कमा रहा हूँ, 10 एम्प्लॉय रखूँगा, सारा काम यही करूँगा। वो फेसबुक के ऊपर पेजेस बना करके और यूट्यूब पर बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले काम हैं, अब लोग समझ भी चुके हैं। हमारा काम नहीं है कि हम उनके अंदर घुसें और उनको घुस के खाम खाम में अपना वो ख़राब करें, हमारा टारगेट क्लियर है ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू गजाला फॉर योर प्रेजेंस एंड डूइंग सो मच थिंग्स फॉर पाकिस्तान, थैंक यू अरीन, थैंक यू जैनब एंड थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वकार, ओके टेक केयर, सलाम पाकिस्तान, सब लोग अपना वो दे देना यानी फीडबैक दे देना आज की उसकी, और मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग तुम लोगों को भेज दूंगा ठीक है। ओके थैंक यू, थैंक यू।